Okay. Hi guys. Hi everyone. So today we are back. Sorry for the yesterday. परसों कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगा दिया ऐसा लगा मेरे को तो कल थ्रोट स्वेल हो चुका था. कुछ नालायक लोगों ने कोरोना कोरोना बोला. नालायको शर्म करो जिंदगी के अंदर. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने टेक केयर एंड गेट वेल सून बोला. थैंक यू सो मच. बड़ा आपके दुआओं की वजह से आज वापस हम विंटर रिविजन कंप्लीट करने पे. ठीक है, सो सबको हाय बोल दूँ मैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय सबको जितने भी लोग हैं. हेल्थ इज फाइन नाउ. ठीक है, आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे ऐसा लग तो रहा है. सो एवरीबडी हाय. तुषार, सुतियार, मोनू, काव्या, दीप, सृष्टि, अश्मी, यश, हेतल, चिराग, चिराग, आदित्य, अंकित, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच अंकित, साक्षी, प्रियंका, जिन लोगों ने ऑलरेडी लाइक करके रखा है, 34 लाइक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच. ऑब्वियसली वीडियो से आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन होगी और मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा. स्नेहा, शुभम, आशीष, सनी, आकाश, नाव्या, विशाल, शुभम, एवरीबडी वेलकम, एवरीबडी हाय. सो साजिद, के एस, कॉमरेड, नीतीश, पंकज, 084, मेहुल, आजाद, रितिका, सोनाली, नितिन, आई एम वेरी गुड कॉमरेड, थैंक यू सो मच बेटा फॉर आस्किंग. ठीक है, कॉमरेड ही नाम, ऐसा कैसा नाम है बेटा कॉमरेड? ओके, कॉमरेड सिंह है. ओके, वेरी गुड. सो ये चीज को याद रखना. चलो सई जोशी, हाय, इजंट दैट माय वाइफ? ओके, आई गेस नॉट. ओके, नेक्स्ट. मेरे वाइफ का नाम सई जोशी है, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. सो विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर और लेट्स सी कि बहुत सारे लोग आते हैं नहीं आते हैं. वंस नंबर अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, 325 है, वंस इट गोज बियॉन्ड 400 वी विल स्टार्ट. सो एवरीबडी हाय 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 हाय. मिस सीए, प्रशांत, आकाश, निपा, प्रियंका, मोनिका, निस्वार्थ, समीक्षा, नमिता, कितने कुछ लोगों ने ऑलरेडी दांत देना शुरू कर दिए. उज्ज्वल मोदी, थैंक्स बेटा, दांत पहले से ले लो. ओके, सुमित, हाय तन्वीर, अखिल, नीरज, विशाल, हाय एवरीबॉडी, प्रियंका अगेन, कॉमरेड निस्वार, समीक्षा, अर्जुन, हाय एवरीबॉडी. ओके चलो कोई बात नहीं, 350 पहुंच गए. वी कैन नॉट वेट फॉर द सेशन. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर चैप्टर, सेक्शन नंबर 173 से लेकर सेक्शन नंबर 195. पहले इसका एक्सट्रीम होगा, फिर उसके बाद में मैनेजरियल पर्सन एंड रेमुनरेशन, उसका एक्सट्रीम होगा, फिर सेबी और सिकरा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके स्ट्रीम होंगे, फिर उसके बाद में ऑपरेशन मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अगर हमारे पास समय बचा तो हम उसको लेंगे, फिर उसके बाद में अगर समय बचा तो हम फॉरेन कंपनी और छोटे मोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हम कवर नहीं करने वाले हैं, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, निधि कंपनी एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये हम कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है. ठीक है, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन लास्ट टाइम में बहुत बार पूछ लिया है और इतने बार एक्चुअली वो टॉपिक डिजर्व नहीं करता पूछना, बट लास्ट टाइम में 3 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ लिए थे, दैट्स वाई इस बार हम उसको स्किप कर रहे हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से. टुडे वी आर गोइंग फॉर द बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स वाला चैप्टर. ठीक है, सो आई वॉन्ट एवरी वन टू पे क्लोज अटेंशन ऑन द बोर्ड. आ जाइए. So, सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 173. तो मैं थोड़ा सा पहले 173 से लेकर 175 इन सेक्शंस को रिवाइज कर दूं. हालांकि 175 हमने काफी अच्छे से याद किया था और एक और टेक्निक मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन की तो मैं नहीं दे पाया लेकिन आई गेस मैं बोर्ड मीटिंग और उस चैप्टर की दे सकता हूँ. सबको अब मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हाय बोलना बंद कीजिए एवरीबॉडी. वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन. सो सिर्फ क्वेरीज है तो प्लीज वो पोस्ट कीजिए, अदरवाइज आपकी क्वेरी अनआंसर्ड रह जाएगी. ठीक है, बोर्ड मीटिंग के सेक्शन याद करना काफी आसान है. वैसे मैं मेरे रेगुलर बैच के अंदर बहुत सारे सेक्शन याद करवा के देता हूँ, ये बहुत सारे क्या नियरली सभी सेक्शन हम रेगुलर बैच में याद कर लेते हैं. उसकी स्पेसिफिक टेक्निक है, अब वो तो नहीं दे सकता, पर बोर्ड मीटिंग के सेक्शन स्पेसिफिकली याद करने की टेक्निक है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ. ठीक है, बोर्ड मीटिंग के सेक्शन आप याद कर सकते हो कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके. सबसे पहले 3 पार्ट आते हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है, जैसे 173 बोर्ड मीटिंग एंड नोटिस, 174 कोरम एंड एडजमेंट, एंड 175 दैट इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे तरीके
तरीके से याद रखना है। ये तीनों मीटिंग से रिलेटेड कंटेंट है, किससे रिलेटेड कंटेंट है, मीटिंग, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद में 176, 177, 178, 176 तो वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर है तो सेपरेट ही सेक्शन है, 177 ऑडिट कमेटी का है, 178 रेमुनरेशन कमेटी का। फिर उसके बाद पावर्स वाले सेक्शन है, 179 पावर ऑफ बोर्ड मीटिंग, 180 पावर ऑफ जनरल मीटिंग। फिर तीन कॉन्ट्रीब्यूशन के सेक्शन है, 181, 182, 183, दैट इज चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद में इंटरेस्टेड डायरेक्टर के सेक्शन है 189 तक, इसको आसान करना, याद करना काफी आसान है। 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, 185 लोन्स टू डायरेक्टर, 186 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी, 186 का रजिस्टर 187 में है, और उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188, ये सबको पता है। रिलेटेड पार्टी का सेक्शन अगर याद करना है तो बहुत आसान टेक्निक है AS 18 इज रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी, उसके अंदर एक और ऐड कर दो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का सेक्शन बन जाएगा, जिसका रजिस्टर है 189 में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो 186 का रजिस्टर 187 में, 188 का रजिस्टर 189 में, 197, 193 आपने याद नहीं किया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, गो फॉर इट फास्ट। आई एम गुड बेटा अंकिता, कल क्लास नहीं होगी पीएम, आज लास्ट डे है। वी डोंट नो बेटा कितने आवर्स का होगा ये चैप्टर, ट्रेंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं, होल्ड, मैं एक बार थोड़ा सेटिंग कर लूं। लेट्स गो। सो ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अगर आपको ये सेक्शन याद करने का तरीका पसंद आया तो विल गो फॉर सेक्शन नंबर 173। ठीक है, नाउ 173 इज रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग एंड इट्स नोटिस। और बहुत सारे बच्चे इस सेक्शन को अच्छे से नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने एक लंबा चौड़ा चार्ट बना के रखा है, बाद में आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, मैं इसके लिए समय दूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। 173 में दो तरीके की चीजें डिस्कस की गई है, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग एंड नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। पहले मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग के ऊपर जाते हैं। बोर्ड मीटिंग वैलिडली कंडक्ट करनी है तो आप एनी टाइम एनी प्लेस एनी डे पे आप कंडक्ट कर सकते हो। हालांकि आर्टिकल स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन से दिन कौन से समय कौन सी बोर्ड मीटिंग लेनी है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल डिसाइड किया कि हर क्वार्टर के लास्ट डे पे, क्वार्टर मतलब क्वार्टर नहीं, ठीक है, हर क्वार्टर के लास्ट डे पे 11 बजे आप बोर्ड मीटिंग लोगे तो आपने 11 बजे बोर्ड मीटिंग एओए में डिक्लेयर कर दिया। नॉर्मली प्रैक्टिकली इसके लिए मीटिंग के लिए नोटिस नहीं लगता है, जो आप एओए में डिक्लेयर करते हो उस मीटिंग के लिए नोटिस नहीं लगता है, पर आईसीआई बोलता है कि इसके लिए भी नोटिस लगेगा तो आपने इसके लिए भी नोटिस देना है। ठीक है, लॉजिकली उसके लिए मीटिंग नहीं लगता है क्योंकि एओए में जो मीटिंग लिखी है बोर्ड को ऑलरेडी पता होगी, तो नोटिस की क्या जरूरत, बट स्टिल आईसीआई बोलता है नोटिस देना है। अगर आप ये एओए में जो मीटिंग बोली है, अब एओए में तो चार ही मीटिंग बोली है हर क्वार्टर की एक, ये छोड़ के और भी कोई बोर्ड मीटिंग ले रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिक सेपरेट नोटिस रिक्वायर्ड है। मतलब दोनों केस में नोटिस रिक्वायर्ड है, सिंपली इतना याद रखना, एओए की मीटिंग हो बोर्ड मीटिंग या कोई भी दूसरी बोर्ड मीटिंग हो नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? इसमें एक और क्लेरिफिकेशन है, एडजर्न मीटिंग का भी 3 डेज का नोटिस देना पड़ता है, यह भी आईसीआई बोलता है एडजर्न मीटिंग के लिए। क्लियर है? फिर उसके बाद में नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कितने, तो ईयरली 4 बोर्ड मीटिंग्स आपको लेने पड़ते हैं नॉर्मल कंपनी में। इन केस ऑफ ओपीसी स्मॉल कंपनी, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप वगैरह के केस में आपको 2 बोर्ड मीटिंग लेने पड़ते हैं साल भर में। 2 बोर्ड मीटिंग लेने पड़ते हैं कितने इसमें, साल भर में, और उसके बीच में हर 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग, और उसके बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप चाहिए, मिनिमम 90 डेज का। ठीक है, ओपीसी स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनके लिए एप्लीकेबल है। सो मिनिमम 90 डेज का उस केस में गैप चाहिए। सो 4 बोर्ड मीटिंग, गैप ऑफ मैक्सिमम कितना डेज चाहिए बोले एक बार, उसे 120 डेज चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में, तो ऑटोमेटिकली साल भर की 4 हो जाएगी। इसमें कुछ बच्चों का एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता, अगर मैंने 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच में अगर बोर्ड मीटिंग ले ली तो एक गैप हुआ। बहुत सारे बच्चों को यह नहीं समझ में आता, यह कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट ईयर की लास्ट बोर्ड मीटिंग, मतलब पिछले साल की लास्ट बोर्ड मीटिंग से भी इस साल की नए साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बीच में भी 120 दिन का ही गैप चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि विद इन ईयर जितने बोर्ड मीटिंग होते उसमें 120 दिन का गैप चाहिए, नहीं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की लास्ट बोर्ड मीटिंग से लेकर न्यू फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी 120 डेज का गैप चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप 4 दिन के गैप से 4 बोर्ड मीटिंग होल्ड कर लोगे और गेम खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। लास्ट ईयर की लास्ट बोर्ड मीटिंग, करंट ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, इसमें भी 120 डेज का मैक्सिमम गैप होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? मैक्सिमम, हां, ये चीज को याद रखना। नीचे
अगर आपने 1 अप्रैल 2025 को पहली बोर्ड मीटिंग कॉल की तो 31 जुलाई को आपको दूसरी बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं रहा तो ये मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। अब अगर बोर्ड मीटिंग एडजर्न होती है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, क्या उसे स्टिल वैलिड कंडक्ट बोला जाएगा? यस, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंडक्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बेटा ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। उसके बाद में बोला गया है कि बोर्ड मीटिंग अगर आप कंडक्ट करने के लिए जाते हो तो किस तरीके से आपने नोटिस देनी चाहिए, कुछ दिखे दिखे से आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग आप फिजिकली भी अटेंड कर सकते हो, नोटिस नहीं, किस तरीके से अटेंड करनी चाहिए, फिजिकली भी अटेंड कर सकते हो अटेंडेंस, और आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अटेंड कर सकते हो। फिजिकली अटेंड करते हो तो कोरम में गिने जाओगे, इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करते हो तो कोरम में लॉजिकली गिने जाने चाहिए, पर यह मैटर डिस्प्यूटेड है। पर अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपने याद रखना है कि नहीं भाई, ये केस में भी हम उसको बोर्ड मीटिंग में काउंट करेंगे। इसमें क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट भी आया था, जो भी बंदे को आने वाले फ्यूचर साल में बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करनी है उसने ऑलरेडी कंपनी को डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए कि वो आने वाले साल में बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करने वाला है। दिस इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन सेकंड, उसने आने वाले साल में वो बोर्ड मीटिंग करने वाला है ये उसने ऑलरेडी डिक्लेरेशन करना चाहिए पूरे एक साल के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिक का फाइल किया है तो फिजिकल नहीं आ सकता। पहली प्रायोरिटी फिजिकल ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम डिक्लेरेशन लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक का डिक्लेरेशन आ भी गया तो भी हम उसको फिजिकल मीटिंग में अलाउ कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये हुआ आपका बोर्ड मीटिंग कंडक्ट का। अब हम जाते हैं बोर्ड मीटिंग के नोटिस पे। बोर्ड मीटिंग के नोटिस लगती है 7 डेज की। कितने डेज की? 7। पर ये बहुत सारे बच्चों को प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, जो वो बोल रहा हूं बहुत सही है। सेल्फ स्टडी वाले किसी और से पढ़े हुए हैं, प्लीज इसके तरफ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सही है, इसके तरफ खुद रिसर्च करके पढ़िएगा। 7 डेज के नोटिस जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है, हमने देखा था कौन सी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है, लिस्टेड, पेडअप कार्ड 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और 50 करोड़ का बोरिंग डिपॉजिट डिबेंचर। उन कंपनीज में जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है उनको 7 डेज का नोटिस मैंडेटरी है, उनको 7 डेज का नोटिस मैंडेटरी है। पर जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है उनको 7 डेज का नोटिस मैंडेटरी नहीं है, उसको रिकमेंडेटरी है, उनको रिकमेंडेटरी है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप शॉर्ट नोटिस देते हो, अगर आप शॉर्ट नोटिस में देते हो तो ऐसा बोला जाता है कि सभी डायरेक्टर्स को नोटिस देना है और उस शॉर्ट नोटिस पे भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आना चाहिए। सो शॉर्ट नोटिस में अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आता है तो ऐसे सिचुएशन में उसे वैलिड कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग बोला जाएगा, सभी डायरेक्टर को नोटिस देंगे। पर जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं उसमें डायरेक्टर आएगा कहां से, और उसमें शॉर्ट नोटिस की प्रोविजन एक्सेप्शन में लगेगी कैसे, तो उनको तो पूरा रिकमेंडेड ही है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आता है तो भले ही वो फेवर में वोट करे या वो अगेंस्ट में वोट करे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मीटिंग में आना जरूरी है। लेकिन अगर एक्सेप्शन, उसको भी एक्सेप्शन, यहां एक्सेप्शन को एक्सेप्शन है बेटा, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आता तो भी आप रेजोल्यूशन पास कर लो और फिर उसको सर्कुलेट करो। देखो डिफरेंस है, सर्कुलर रेजोल्यूशन नहीं है ये, रेजोल्यूशन मीटिंग में पास किया है फिर उसको घुमाया गया है और उसके ऊपर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वोट ले लो फेवर में। देखो आ गया तो फेवर और अगेंस्ट कैसा भी वोट कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो घर पे बैठ के उसको जब फेवर में वोट करेगा उसी वक्त वो रिजोल्यूशन वैलिड होगा। क्लियर है कांसेप्ट? अदरवाइज वो बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन वैलिड नहीं होंगे अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फेवर में वोट नहीं करता तो। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इस चीज को याद रखना है। आगे मैनर ऑफ गिविंग अ नोटिस, पोस्ट के थ्रू दे सकते हो, हार्ड कॉपी में दे सकते हो, कुरियर, ईमेल, फैक्स, एनी अदर वे जो आपका एविडेंस मेंटेन कर सकता है उस वे में दे सकते हो। किसको देना है? इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फॉरेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंडियन एड्रेस पे, फॉरेन डायरेक्टर को फॉरेन एड्रेस पे। बहुत सारे बच्चों को लगता है फॉरेन डायरेक्टर को इंडियन एड्रेस पे, वो बेटा बोर्ड मीटिंग नहीं जनरल मीटिंग का प्रोविजन है। फॉरेन मेंबर है उसको इंडियन एड्रेस पे हम नॉर्मली नोटिस देते हैं। फिर उसके बाद में दर्शन इस्पात लिमिटेड में अगर हम बोर्ड मीटिंग होल्ड कर रहे हैं तो हम क्या क्या देंगे? नोटिस देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे सेक्शन नंबर 102 में इंटरमीडिएट, साथ में अजेंडा देंगे। इस सिचुएशन में अगर डायरेक्टर नोटिस रिसीव करने को रिफ्यूज करता है, डायरेक्टर बोलता है मेरे को नोटिस नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, घर पे रद्दी जमा होती है, बीवी मारती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर फिर भी डायरेक्टर आपको बोले कि नोटिस नहीं चाहिए तो भी आपने उसको नोटिस सेंड करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। डायरेक्टर सुसाइड की भी धमकी क्यों ना दे, कमेंट में लिखिए सब जन, इसके ऊपर सवाल पूछा है, डायरेक्टर सुसाइड की भी धमकी क्यों ना दे, हम उसको नोटिस भेजेंगे, मतलब भेजेंगे, क्योंकि ये कंपनी का ड्यूटी है। बोलो सब जन, कमेंट में लिखो, डायरेक्टर सुसाइड की भी धमकी क्यों ना दे, हम उसको नोटिस भेजेंगे। कमेंट में लिखोगे याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। स्टिल कंपनी शॉल सेंड अ नोटिस, स्टिल कंपनी नोटिस भेजना है। विच मीटिंग के नोटिस भेजना है? ओरिजिनल मीटिंग के तो 7 दिन के नोटिस भेजना ही है, एडजर्न मीटिंग की आईसीआई बोलता है 3 दिन का एडवांस नोटिस भेजना है। यह है आपका सेक्शन नंबर 173 बोर्ड मीटिंग सेनेट नोटिस। मैं चाहूंगा चाहिए तो इसका फोटो खींच लो, गो फॉर इट फास्ट।
बेटा मैक्सिमम 120 डेज बोला है रोहित, मैक्सिमम का मतलब 120 दिन के नीचे कुछ भी चलेगा। चलो डन एवरीबडी, ये चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? ओके नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फर्स्ट। डन, चलो आगे। अब ये चीज होने के बाद में मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। 173 हो गया, वी आर गोइंग फॉर 174। 174 है कोरम एंड एडजर्नमेंट का, इसके लिए भी चार्ट है, ध्यान अच्छे से देना। इसके अंदर हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक है कोरम और दूसरा है एडजर्नमेंट। ये सभी बोर्ड मीटिंग चैप्टर में बहुत सारे सवाल इन तीन सेक्शन में पूछे हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। कोरम, कोरम यहां पर मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूं, बोर्ड मीटिंग का कोरम, रेजोल्यूशन कंडक्ट का कोरम। बोर्ड मीटिंग का अगर आपको कंडक्ट करनी है तो 1/3 और 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर, ये हमको कोरम लगता है। लेकिन ये पब्लिक कंपनी के केस में लगता है, कौन सी कंपनी? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में नॉर्मल कोरम है 2 डायरेक्टर्स, कौन सा कितने डायरेक्टर्स? 2। अगर विच एवर इज हायर कोरम नहीं रहा तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं रहा तो भी एडजर्न हो जाएगी, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं रहा तो भी एडजर्न होगी, एडजर्न में कोरम नहीं रहा तो भी एडजर्न, एडजर्न में कोरम नहीं, एडजर्न, एडजर्न में कोरम नहीं, एडजर्न, एडजर्न में कोरम नहीं, एडजर्न। सर पर हमने तो सुना था कि मीटिंग एडजर्न में अगर कोरम नहीं है तो उसी को मीटिंग माना जाता है, वो जनरल मीटिंग में माना जाता है, बोर्ड मीटिंग में नहीं। बोर्ड मीटिंग कितने भी बार एडजर्न हो सकती है, और होगी कितने बार एडजर्न होगी? 12 महीने, क्योंकि 167(1)(b) बोलता है 12 महीने तक डायरेक्टर अगर मीटिंग में नहीं आता तो उसको ऑफिस वैसे ही वैकेट करना है, और जो डायरेक्टर ऐसे मीटिंग में नहीं आता उसको तो जनरल मीटिंग पहले ही रिमूव कर देगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और कोरम की वजह से अगर एडजर्न होती है मीटिंग तो वैसे भी उसको वैलिड कंडक्ट 4 में गिना जाता है, 120 डेज की गैप में गिना जाता है, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। फिर आता है रेजोल्यूशन कंडक्ट का कोरम। देखो मीटिंग का कोरम अलग और रेजोल्यूशन कंडक्ट का कोरम, मीटिंग में ये चीज आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर आपने इंटरेस्टेड डायरेक्टर ठीक से पढ़ा होगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ये चीज मेरे को समझानी पड़ेगी, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बच्चों, कोरम जो है वो दो टाइप का होता है, एक कोरम होता है मीटिंग का और दूसरा कोरम होता है रेजोल्यूशन का। बहुत सारे बच्चे इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो थोड़ा गौर से सुनना। मीटिंग का कोरम, ये मीटिंग में 15 मिनट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, जो होता है 1/3 और 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये 15 मिनट में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये नहीं रहा तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। लेकिन एक कोरम होता है रेजोल्यूशन का, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एज पर सेक्शन नंबर 184, जिसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं। अब देखो मीटिंग का कोरम तो एक ही रहेगा, पूरे मीटिंग का कोरम एक रहेगा, लेकिन ये एक मीटिंग में अनेक रेजोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे चार रेजोल्यूशन है, R1, R2, R3, R4, चार रेजोल्यूशन है, तो हर रेजोल्यूशन का डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, हर रेजोल्यूशन का डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड बी मोर देन इक्वल टू 2। हर रेजोल्यूशन में डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, बिकॉज हर रेजोल्यूशन में इंटरेस्ट अलग अलग होगा, तो हर रेजोल्यूशन का डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड बी मोर देन इज इक्वल टू 2। तो दो टाइप के कोरम होते हैं, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्लियर है? अगर ये कोरम प्रेजेंट नहीं रहा, देखो इधर इफ नॉट, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं रहा तो मीटिंग एडजर्न होती थी, इधर कोरम प्रेजेंट नहीं रहा डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर का तो रेजोल्यूशन वॉइड हो जाता है। तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? वॉइड। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। और कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले 15 मिनट में आ गया बाद में भाग गया, नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, सो अगर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम नहीं रहा, रेजोल्यूशन वॉइड। एडजर्न मीटिंग, अगर मीटिंग एडजर्न होती है तो दो तरीके से एडजर्न होती है, एक तो कोरम की वजह से, नहीं तो अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से। कोरम की वजह से एडजर्न हुई तो उसको पब्लिक हॉलीडे के ऊपर नहीं ले सकते आप, उसको नेक्स्ट डे पे लेना पड़ेगा, ये चीज को याद रखना। अगर कोरम की वजह से मीटिंग एडजर्न हुई है तो पब्लिक हॉलीडे पे आप नहीं ले सकते, बिकॉज ओरिजिनल मीटिंग में ये लोग नहीं आए तो पब्लिक हॉलीडे पे कहां से आएंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से अगर मीटिंग एडजर्न हुई है तो उसको आप एनी डे के ऊपर ले सकते हो, पब्लिक हॉलीडे भी। उसके बाद में मीटिंग एडजर्न किस तरीके से होते हैं, पहला प्रेफरेंस एडजर्नमेंट एज पर एओए, दूसरा प्रेफरेंस अगर एओए में कुछ नहीं लिखा है तो बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेगी वो कब एडजर्न करना है। लेकिन नॉर्मली अनफिनिश्ड बिजनेस में ही लगता है, कोरम में नहीं लगता, बिकॉज कोरम में बोर्ड मीटिंग होती ही नहीं है तो रेजोल्यूशन कहां से पास करेंगे। या तो फिर सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, थर्ड प्रेफरेंस इस दिन पे आपका होगा नेक्स्ट वीक में। इस एडजर्न मीटिंग के लिए भी 3 डेज का नोटिस लगता है, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए कंसिस्टेंटली, फटाफट ले लीजिए। ले लिया सबने? ले लीजिए फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोरम के लिए। चलो ये हो गया सेक्शन नंबर 174 के बाद में अगला है सेक्शन नंबर 175। कौन सा सेक्शन नंबर है? 175 मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद के घर पे बैठ के जब रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उस सिचुएशन में हमको ये
रिजोल्यूशन पास करना होता है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में तीन कंडीशंस आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है। जो कोरम है, कोरम रिक्वायर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कोरम ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शॉल बी प्रेजेंट इन इंडिया। कोरम इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोरम इंडिया में प्रेजेंट नहीं हुआ तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा रिक्वायरमेंट यह है कि वंस यू पास दिस रिजोल्यूशन, यू शुड पुट इट इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग मिनट्स। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में तुमने इसको रखना है और इसको साइन करवा लेना है और फाइल करना है। क्लियर है आंसर? और तीसरा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को 6 केसेस, नियरली मैं कह सकता हूं 7 केस, सीए इंटर का 1 केस मिला के, 7 केसेस में रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं लगता। सीए फाइनल पे 6 केसेस है, पूरे कंपनी लॉ में नियरली 7 केसेस है। क्लियर है आंसर? कौन कौन सा केसेस जिसमें रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं लगता, लिख के रखना। सेक्शन 161 सबसेक्शन नंबर 4 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, दूसरा सेक्शन नंबर 179 जो आज हम देखेंगे पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, तीसरा सेक्शन जो आज हम देखेंगे 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद में चौथा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं लगता है सेक्शन नंबर 188 और 184 को कंबाइन करके, दैट इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। पांचवा जहां रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं लगता है, दैट इज यूनानिमस रिजोल्यूशन वाला, दैट इज सेक्शन नंबर 186 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी। यूनानिमस रिजोल्यूशन के केस में, यूनानिमस रिजोल्यूशन के केस में रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वर्क ही नहीं करता बेटा। क्लियर है? और उसके बाद में सिक्स वाला यूनानिमस रिजोल्यूशन वाला अगेन 203, दैट इज दो जगह पे अगर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो। इतने केसेस में ये रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के लिए आपने याद रखना सेक्शन नंबर है 175, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, तो तीन सेक्शन हमारे खत्म हुए, 173, 174, 175। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये होने के बाद अगला सेक्शन है 176। 176 हमने सेक्शन 162 के साथ कवर किया था अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन चैप्टर के अंदर, वो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं 177 और 178। अगर आप देखो तो 177 और 178 की जो अप्लीकेबिलिटी है वो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ वो अप्लीकेबिलिटी खत्म कर दी थी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ अप्लीकेबिलिटी खत्म कर दी थी। अब मैं जा रहा हूं उसके बचे हुए कंटेंट के ऊपर। ठीक है, सो आ जाइए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेफर करना, वहां पे हमने ऑलरेडी इसको कवर अप करके रखा है और मैंने ऑलरेडी बोला था कि हम थोड़ा सा एट रैंडम जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने वहां पे उसको कंप्लीट कर दिया था। अब आ जाइए, लेट्स गो। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट में बहुत सारे टाइप की कमिटीज होती है, उसमें से मैं एक दो कमिटीज के ऊपर यहां पे कमेंट कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले कंपनीज एक्ट में सीएसआर कमेटी होती है सेक्शन 135 में, फिर ऑडिट कमेटी होती है लिस्टेड कंपनी में जिसमें 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगर आपको याद होगा तो, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगर आपको याद होगा तो, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर ऐसे ही निकाला था। अनलिस्टेड में मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए एज पर एलओडीआर। कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर कुछ काम के, विजिल मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं विजिल ब्लोइंग पॉलिसी और ओमनीबस अप्रूवल, ये तो बहुत काम के कंसेप्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम रेमुनरेशन कमेटी में जाए तो रेमुनरेशन कमेटी 178 में है और रेमुनरेशन कमेटी साल में एक ही बार रेमुनरेशन डिसाइड करता है और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिकमेंड करता है, इसलिए उसी कमेटी में स्टेक होल्डर ग्रेवियांसेस कमेटी है। क्लियर? एलओडीआर में भी इसका कॉन्स्टिट्यूशन है लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों के लिए। रेमुनरेशन कमेटी का कंसेप्ट है कि जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है वो भी मिनिमम 50% वर्क्स वंस ही नहीं है, और स्टेक होल्डर ग्रेवियांस कमेटी आपको तब अपॉइंट करनी है जब आपके कंपनी में 1000 से ज्यादा कोई स्टेक होल्डर है, जैसे 1000 डिपॉजिटर, 1000 डिबेंचर होल्डर या 1000 शेयर होल्डर, इससे ज्यादा है तो आपने स्टेक होल्डर ग्रेवियांस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना है उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। यह चीज को आपने याद रखना। फिर उसके बाद में आखिरी कमेटी आती है, दैट इज एलओडीआर में आरएमसी कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो एलओडीआर के अंदर हम पढ़ेंगे जो जब एलओडीआर होगा तब। अब पहले तो ऑडिट कमेटी और रेमुनरेशन कमेटी के फंक्शन समझिए। दोनों के फंक्शंस जो है वो क्वाइट सिमिलर फंक्शंस है, वो क्वाइट सिमिलर फंक्शंस है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना। सबसे पहला फंक्शन जो है वो ऑडिट कमेटी का ये है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रिमूवल, ऑडिटर का रिकमेंडेशन, ऑडिटर का नॉमिनेशन। मतलब बड़े कंपनीज में पहले ऑडिट कमेटी ऑडिटर को रिकमेंड करती है, रूल नंबर 3 और 4 में लिखा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 में, कि ऑडिटर का नॉमिनेशन ऑडिट कमेटी करती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर जनरल मीटिंग में वो पास होता है। तो ऑडिटर का रिकमेंडेशन, ऑडिटर का नॉमिनेशन, उसका रेमुनरेशन, उसका वर्किंग, ऑडिटर जो क्वालिफिकेशन देगा उसके ऊपर कमेंट्स, ऑडिटर
का रिव्यू करना, ऑडिटर कैसा काम कर रहा है ये देखना, वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है ये भी देखना, सही से रिपोर्टिंग कर रहा है क्या ये देखना, ये सब ऑडिट कमेटी करती है। सेम रेमुनरेशन कमेटी करती है डायरेक्टर के केस में, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का रिकमेंडेशन, डायरेक्टर का रेमुनरेशन, डायरेक्टर का वर्किंग, डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल, डायरेक्टर कैसे काम कर रहा है, ये सब रेमुनरेशन कमेटी डिसाइड करती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इनके फंक्शंस काफी नॉर्मल है। स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी, ये सिर्फ स्टेक होल्डर्स के वर्किंग्स को देखती है, स्टेक होल्डर्स के क्वेरीज को देखती है और उसको रिजोल्व करती है। नॉर्मली एलओडीआर में लिखा है कि 95% स्टेक होल्डर क्वेरीज ये हर क्वार्टर में कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही जाके आपकी कंपनी लिस्टेड हो सकती है। अब अगर इसके अंदर कोई स्पेशल पॉइंट आपको चाहिए तो सेक्शन 177 में स्पेशल पॉइंट लिखे हुए हैं रेमुनरेशन ऑडिट कमेटी के लिए, वो दो स्पेशल पॉइंट है, उसमें से एक है विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म का मतलब होता है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग ये एक ब्रिटिश प्रथा है कि किसी भी बंदे के ऊपर अगर अन्याय हो रहा हो तो उनके यहां पे जब पुलिस ऑफिसर्स कम हुआ करते थे तो वहां के सिटीजन को बोला जाता था कि तुम पुलिस का अट्रैक्ट करने के लिए विसल ब्लो किया करो अगर तुम्हारे पे ऊपर कोई अन्याय हो रहा है तो। उसी तरीके से अब ये कॉन्सेप्ट कंपनी में लगाया जाता है जिसके अंदर अगर कोई लोअर लेवल ऑफ पर्सन के ऊपर हायर लेवल ऑफ पर्सन कोई कोर्शन करता है, हायर लेवल का पर्सन कोई फ्रॉड करता है और लोअर लेवल पर्सन को उसको नोटिफाई करना है तो विसल ब्लोइंग कर सकता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी के नीचे रहते हैं की मैनेजर पर्सन, उसके नीचे रहते हैं एम्प्लॉयज, उसके नीचे है वर्कमैन। अब एम्प्लॉयज और वर्कमैन को अगर लगता है कि हायर लेवल के लोग कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो विसल ब्लो करके ऑडिट कमेटी का अट्रैक्शन ले सकते हैं कि हमारे ऊपर फ्रॉड हो रहा है, इसे कहते हैं विजिल मैकेनिज्म। एक और चीज है ऑडिट में दैट इज स्पेशल 177 में, ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल मतलब प्रीपेड अप्रूवल, ये स्पेसिफिकली लगता है रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन के केस में। फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि ऑडिट कमेटी के पास पावर है कि वो पूरे साल भर के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक सिंगल अप्रूवल देके लग सकता है कि भाई कंपनी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगी तो लिमिट बोल सकता है मॉनेटरी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ बोल सकता है, किस रिलेटेड पार्टी के साथ कर सकते हो, जैसे सिर्फ रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो ये भी हो सकता है, या सिर्फ कंपनी के साथ कर सकते हो ये भी हो सकता है, कौन सी चीजों में डील कर सकते हो, गुड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर आप ओमनीबस अप्रूवल में सेट कर सकते हो, प्रीपेड अप्रूवल फॉर ईयर। अगर कोई ट्रांजेक्शन इस लिमिट के बाहर जाता है, इसके बाहर जाता है, तो फिर ऑडिट कमेटी उसके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो अब यहां पर कितने अप्रूवल हो जाएंगे, पहला तो रिलेटेड पार्टी के हिसाब से बोल रहा हूं, 188 के हिसाब से बिग ट्रांजेक्शन के लिए रिलेटेड पार्टी में बोर्ड का ऑर्डिनरी लगता है, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी लगता है और ऑडिट कमेटी के हिसाब से ओमनीबस अप्रूवल अभी लगेगा, ऑडिट कमेटी का ओमनीबस अप्रूवल। स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए बोर्ड का अप्रूवल और ऑडिट कमेटी का अप्रूवल। कंसेप्ट समझ में आया, जिसमें आप अमाउंट, रिलेटेड पार्टी, गुड सर्विसेज, वैल्यू, कंसिडरेशन सब स्पेसिफाई करोगे। विद इन लिमिट है तो ऑलरेडी अप्रूव्ड, अबाउ लिमिट है तो ऑडिट कमेटी सेपरेट अप्रूवल इसके लिए देगा। ये है ओमनीबस अप्रूवल एंड विजिल मैकेनिज्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, गो फॉर इट, डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। नीचे डन एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो ये होने के बाद में, ओमनीबस अप्रूवल होने के बाद में, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सिचुएशन। अगले सेक्शन है 179 एंड सेक्शन नंबर 180। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना? तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, मैं इसके लिए एक पीपीटी क्रिएट करता हूं, इसका होल्ड आ जाइए। लेट्स गो, यह है सेक्शन नंबर 179 का पीपीटी, जिसके अंदर 179 का काफी कच्चा चिट्ठा मैंने दिया है। हालांकि इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन डिलेटेड है, पर प्रैक्टिकली बोर्ड मीटिंग उसको यूटिलाइज करती है, मैंने इसलिए सभी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रखे हुए हैं। क्लियर है? अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन 179 में बोर्ड मीटिंग सिर्फ यूज कर सकता है, कुछ डिलीटेड मैं पहले बोल रहा हूं पर प्रैक्टिकली यूज करती है इसलिए इसके अंदर रखा है। इसके लिए मैं आपको रादर सजेस्ट करूंगा कि आप बेयरटेक्स और रूल्स ठीक से पढ़िए, पर मेरा काम है कि प्रैक्टिकली जो चीज करती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकते हैं, इसलिए इसको मैं दू। सो सबसे पहला ट्रांजेक्शन कर सकती है अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन है बायबैक, बोरोइंग। तीसरा ट्रांजैक्शन है कॉल्स। चौथा है डिबेंचर्स, डाइवर्सिफिकेशन। पांचवा है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है गारंटी, श्योरिटी। उसके बाद में है होल्डिंग कंपनी। उसके बाद में है
मतलब किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाना, फिर इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, जॉब देना की मैनेजर पर्सन्स को, और सबसे आखिरी लोन्स और उसके बाद में डिपॉजिट्स। क्लियर है? इतने ट्रांजैक्शन के पावर बोर्ड मीटिंग के पास है, पर याद रखना ये पावर बोर्ड मीटिंग में इनिशिएट किए जाते हैं, खत्म यहां नहीं होते। बोर्ड मीटिंग इसको इनिशिएट कर सकती है, खत्म यहां नहीं होगा। जैसे अमलगमेशन मर्जर, मैं यहां पे सेक्शंस लिख के रखना चाहूंगा आपको याद करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है? सेक्शंस लिख के रखना चाहूंगा, अमलगमेशन मर्जर ये 230 से लेकर 240 में एंटरटेन किया जाएगा चैप्टर में, बायबैक सेक्शन नंबर 68 में एंटरटेन किया जाएगा, कॉल्स ऑन शेयर सेक्शन 49 में एंटरटेन किया जाएगा, डिबेंचर 71 में एंटरटेन किया जाएगा, डायवर्सिफिकेशन के लिए कोई सेक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स 186 में एंटरटेन किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में, 128 में, 129 में एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद में गारंटी और श्योरिटी ये भी 186 के अंदर और 185 के अंदर एंटरटेन किया जाएगा, किसी कंपनी में होल्डिंग बनना 186 अगेन इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए, इंटरनल ऑडिटर 137 के अंदर, जॉब टू की मैनेजर पर्सन 203 में, लोन्स 185 में और 186 में, और पब्लिक डिपॉजिट सेक्शन नंबर 76 में। ठीक है, इस तरीके से ये सेक्शन इनिशिएशन का है, बचे हुए सेक्शन में अप्रूवल, इस तरीके से सेक्शन याद रहने चाहिए बेटा। ठीक है, ये चीज को याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो फटाफट। लेकिन इसके लिए बेयरटेक जरूर पढ़ना है एक बार, और रूल्स भी पढ़ना, ये मैंने प्रैक्टिकली जितने यूज होते हैं वो सब भी है। अब इसमें से तीन ट्रांजेक्शन, एक लोन, ठीक है, अब पहले तो इनको याद कैसे करें, पहले ये समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखा है, ए फॉर अमलगमेशन, बोलो ए फॉर अमलगमेशन, बी फॉर बायबैक, सी फॉर कॉल्स ऑन शेयर्स, डी फॉर डिबेंचर डाइवर्सिफिकेशन, डिपॉजिट्स भी आप यहीं ले सकते हो, ई फॉर, ई ये हिंदी वाला ई है इन्वेस्टमेंट, क्लियर है कंसेप्ट, फिर एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी फॉर गारंटी श्योरिटी, एच फॉर होल्डिंग कंपनी बनना, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर, जे एंड के फॉर जॉब टू की मैनेजर पर्सन, एल फॉर लोन, अल्फाबेटिकली ही करके रखा है। एक बार बोलिए, सबसे पहले ए फॉर अमलगमेशन, बी फॉर बायबैक बोरोइंग, सी फॉर कॉल्स ऑन शेयर्स, डी फॉर डिबेंचर डाइवर्सिफिकेशन डिपॉजिट्स, ई फॉर इन्वेस्टमेंट, एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी फॉर गारंटी श्योरिटी, एच फॉर होल्डिंग कंपनी बनना, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर, जे एंड के फॉर जॉब टू के मैनेजर पर्सन, एल फॉर लोन, डिपॉजिट ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये चीज को याद रखना, इसमें से तीन पावर्स, इसमें से तीन पावर्स कौन कौन से, बोरो द मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ये तीन पावर आप डेलीगेट कर सकते हो, ये तीन पावर आप डेलीगेट कर सकते हो किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को जो बोर्ड मीटिंग ने ऑथराइज किया है, जैसे कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इसका भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है सेक्शन नंबर 179, एप्लीकेबल है ऑल कंपनीज को, और ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं होता, 175 इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता। निकल लिया सबने स्क्रीनशॉट, चलो 179 यहां पे खत्म हुआ। 179 के बाद में मैं अगले सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं, जो अगला सेक्शन है 180। बच्चों आ जाइए, 180 सबसे पहले, 180 के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 180 के लिए भी मेरे पास चार्ट है, लेट्स सी दिस। So, ये चार्ट है सेक्शन 180 का। सेक्शन 180 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था सभी लोगों को, ये इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में एक केस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कंपनी के असेट्स री मल्यालम प्लांटेशन इंडिया लिमिटेड, या तो फिर दूसरा केस होगा बैंगलोर रेस क्लब वाला, ठीक है? तो ये दो में से कोई एक केस है जिसके अंदर 180 सेक्शन डिस्कस किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमओए एओए को वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर है कांसेप्ट सबको? हाँ है ना? और 180 के पावर्स के बियॉन्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं जा सकते, ये मिसमैनेजमेंट वाला स्ट्रेट अवे केस हो जाएगा 180, क्योंकि पावर्स ऑफ जनरल मीटिंग है, इसको जनरल मीटिंग में ही पास करना जरूरी है। चार पावर 180 में डिस्कस किए गए हैं, चार पावर्स डिस्कस किए हैं 180 में, जिसके अंदर सबसे पहला पावर है सेल ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, कंपनी का अगर कोई भी सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग सेल करना है तो आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग मतलब जो नेट 20% ऑफ नेटवर्थ है, या 20% ऑफ नेट प्रॉफिट है, या 20% है ब्लॉक का जो सब्सटेंशियल ब्लॉक है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर आपको इसको सेल करना है तो आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा इसको सेल करने के लिए, जनरल मीटिंग का स्पेशल। लेकिन अगर नॉन सब्सटेंशियल ब्लॉक है, जैसे ऑफिस का फर्नीचर है, स्टेशनरी है, ये नॉन सब्सटेंशियल है, तो ऐसे केसेस में जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी कंपेंसेशन को, सर कौन सा कंपेंसेशन सर, जो मिला है अमलगमेशन मर्जर या सेल ऑफ अंडरटेकिंग से या कंपलसरी एक्विजिशन से, अगर कोई भी कंपेंसेशन अमलगमेशन मर्जर सेल ऑफ अंडरटेकिंग या कंपलसरी एक्विजिशन से मिला है, उस कंपेंसेशन
कंपेंसेशन को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर ये कंपेंसेशन आप ट्रस्ट एंड सिक्योर्ड एरिया में इन्वेस्ट करते हो, जैसे गवर्नमेंट गिल्टेज सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट गिल्टेज बॉन्ड्स, ट्रस्ट सिक्योरिटीज, तो इस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लेना है, लेकिन नहीं लेना है क्योंकि ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की क्या जरूरत। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो अदर केसेस में, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ वो कंपनसेशन जो सेल ऑफ अंडरटेकिंग कंपलसरी एक्वायरेशन अमल कमीशन के हिसाब से आपको मिला है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में तीसरा बोरोइंग्स, बोरोइंग हमने ऑलरेडी 179 के अंदर कवरअप किया था जस्ट अभी, बी फॉर बोरोइंग एंड बायबैक, अगर आपको याद होगा तो। बोरोइंग्स जो है उसके अंदर एग्जिस्टिंग, ई मतलब एग्जिस्टिंग, पी मतलब प्रपोज्ड, ई मतलब एग्जिस्टिंग, पी मतलब प्रपोज्ड, एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इज लेस देन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब जो कंपनी का लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम इससे कम अगर आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग है, मतलब कम है, तो 179 में बोर्ड मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ये हो सकता है, 179 में हमने अभी देखा। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इज मोर देन पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम, इससे ज्यादा है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी से ज्यादा है, तो आपको 180 में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये दोनों रेजोल्यूशन सिर्फ प्रपोज के लिए है, एग्जिस्टिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है कंसेप्ट? इसमें भी अगर आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो ही आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है 6 मंथ्स का तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। मतलब देखो यहां भी एक्सेप्शन को एक्सेप्शन है, बड़े अच्छे से याद रखना, शॉर्ट टर्म पहला आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एक्सेप्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगेगा, पर शॉर्ट टर्म बोरिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो उसको लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा और उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, समझ में आ रहा है चार्ट अच्छे से क्लियरली। फिर उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि अगर डेट ड्यू है और आप उस डेट को, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लोन दिया 185 में, मैनेजिंग डायरेक्टर वोल टाइम डायरेक्टर को स्पेशल रेजोल्यूशन से एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना अलाउड है बेटा, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने लोन दिया है या क्रेडिटर को आपने उनको क्रेडिट दिया है, जैसे आपने उसको 188 के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उनसे और उनको क्रेडिट दिया, कंपनी का फ्लैट सेल किया, पैसा आना बाकी है और उसका ड्यू डेट आप बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, क्योंकि बोर्ड को ऐसी सहूलियत नहीं देनी चाहिए, वो फ्रॉड कर सकते हैं। अगर इसका नॉन कंप्लायंस किया 180 का और आपने इसको बोर्ड मीटिंग में पास किया तो सेक्शन 241 में मिसमैनेजमेंट क्लेम किया जाता है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर में। यह है सेक्शन नंबर 180 और यह है इसका चार्ट। चार्ट कैसा लगा मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताना, जरूर खुशी होगी मेरे को, ठीक है, गो फॉर इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एचआर पॉलिसी, अगर योगेश बोलता है कि डायरेक्टर ने 30 दिन का रिजिग्नेशन के लिए नोटिस देना चाहिए तो इट कैन नॉट ओवरराइड कंपनीज एक्ट, तो वो पॉलिसी रॉन्ग है बेटा। उस पीरियड में 30 दिन में हो सकता है डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। चलो डन एवरीबॉडी। जो भी लोग मुझे टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिंचू ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने डिक्लेयर किया मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, वो छोड़ के और कुछ कवर नहीं होगा बेटा। चलो डन एवरीबॉडी। यहां पे आपका सेक्शन नंबर 180 खत्म होता है। 180 खत्म होने के बाद में अगला सेक्शन आता है 181, 182, 183, CCPCDC, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, डिफेंस कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इसका भी चार्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले आपको व्हाइट में हेड्स दिख रहे हैं क्या? मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, एक सेकंड होल्ड करना सिर्फ। So, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सो 181, 182, 183, DC, PC, CC, तीनों एक ही जगह पे, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी चीज है। सेक्शन नंबर 181, 182 एंड 183, ठीक है, अप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, अप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, अप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, नॉट अलाउड टू। तो चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन सबको अलाउड है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ये गवर्नमेंट कंपनी को अलाउड नहीं है, और जिन कंपनी का एज 3 साल से कम है, 3 साल मतलब 36 मंथ्स, 36 मंथ्स का मतलब होता है बेटा 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 3, इससे कम अगर आपका एज है तो आप पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते और डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूशन सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन तो अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन का नो लिमिट है, फिलहाल यहां पे कुछ लिखा है लेकिन ये ओल्ड वाला प्रोविजन था तो इसको मैं कट कर दूं, देयर इज नो लिमिट,
ठीक है, और डिफेंस कंट्रीब्यूशन के लिए भी कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अप्रूवल्स अप टू 5% आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में, उसके बाद में अबव 5% जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में ये भी ओल्ड वाली लिमिट लिखी गई है, यहां पर मैं इसको स्क्रैच करके सिंपली लिख दू, इट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बोर्ड ऑर्डिनरी भी चलता है, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी भी चलता है, और अगर किसी पर्सन को इसके लिए ऑथोराइज किया है उसका अप्रूवल भी यहां पे चलता है बच्चों। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। डिस्क्लोजर्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फंड, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फंड, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फंड, यहां पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन भी डिक्लेयर करना है। अब जो बात बोल रहा हूं बड़े दिल से सुनना, कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, जो उनसे नहीं पढ़े या जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया उनको ये नहीं पता होगा, सो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अगर आपने चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का 181 में कॉन्ट्रीवेंशन कर दिया, कोई पेनल्टी नहीं लिखी है, कोई पेनल्टी नहीं लिखी है, कोई भी पेनल्टी नहीं लिखी है। जैसे आपने 5% से ज्यादा दिया जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, कोई पेनल्टी नहीं लिखी है, ना ही ये सेक्शन में लिखी है, ना ही ये चैप्टर में लिखी है। और कल मैंने सेक्शन 172 में आपको एक चीज बताया था, सेक्शन पेनल्टी नहीं है, चैप्टर पेनल्टी नहीं है, तो आपको पेनल्टी लगती है सेक्शन 450 हब ऑफ पेनल्टी वाली, जो यहां पर आपको कॉन्ट्रावेंशन में लगेगी 10,000 प्लस 1,000 पर डे सेक्शन 450। ये सेक्शन 450 की पेनल्टी आपको लगेगी। पॉलिटिकल में पेनल्टी दी गई है बेटा, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन और 6 महीने तक की जेल। ये ऑफिसर को भी होगा और कंपनी को भी होगा पेनल्टी, जेल सिर्फ ऑफिसर को होगी, ये चीज को याद रखना। और सबसे आखिरी, डिफेंस में भी कोई पेनल्टी नहीं लिखी है, इसलिए 450 की ही पेनल्टी यहां पे वापस लगा दी जाएगी, सेक्शन 450 की ही पेनल्टी यहां पे वापस लगा दी जाएगी 10,000 प्लस 1,000 पर डे। ये बहुत सारे बच्चों को पेनल्टीज नहीं पता होती, पर मैंने लिख के दी है कंपैरिजन पर्पस के लिए। चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, और कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच अमन। चलो हो गया बेटा, 454 ए मत लगाना बेटा, फिलहाल वो अपने सिलेबस में नहीं है जय चिचानी, वो लास्ट टाइम अमेंडमेंट में आया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 3 ही सेक्शन अप्लीकेबल किए हैं, दैट इज 450, 47, 455 एंड फ्रॉड का 447। इसलिए हम 454 ए का रेफरेंस नॉर्मली नहीं देते, क्योंकि वो जिस साल अमेंडमेंट आया था जिस अटेम्प्ट में उसी अटेम्प्ट में एप्लीकेबल था, बाकी वो इंस्टीट्यूट ने कवर अप नहीं किया है। ठीक है, चलो ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं। अगला सेक्शन आता है 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। ठीक है, पर 184 समझाने के पहले मैं 185 लेना चाहूंगा, बिकॉज 185 और 188 समझेगा तो 184 समझेगा। आपको डिस्क्लोजर किस चीज में लगता है यह समझ में आएगा तो 184 समझेगा, अदरवाइज आपको 184 समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो पहले मैं 185 लेना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आ जाइए। ठीक है, एक चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, कंपनी ने, ठीक है, 185 का ब्रीद, ये क्वेश्चन आए अगर 185 के ऊपर, ये सेंटेंस आपने सबसे पहले लिखना चाहिए, कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए जो पर्सन उस लोन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, बिकॉज डायरेक्ट अगर लोन को कंट्रोल करेगा या पर्सन अगर लोन को कंट्रोल करेगा तो वो लोन में जरूर फ्रॉड करेगा, और नहीं भी करेगा तो हम रिस्क क्यों ले। क्लियर है सर? हिंदी में कैसे लिखे तो इंग्लिश में लिखो, द कंपनी शॉल नॉट गिव लोन टू एनी सच पर्सन हु कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द सेम। फॉर एग्जांपल, अगर दर्शन इस्पात लिमिटेड का, ये इंग्लिश में सेंटेंस है, कमेंट में पुट करना सबने, कंपनी शॉल नॉट गिव लोन टू सच पर्सन हु कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द सेम, बिकॉज कंट्रोल करेगा तो फ्रॉड करेगा। दर्शन इस्पात लिमिटेड का समझो मैं डायरेक्टर हूं, दिल दर्शन इस्पात लिमिटेड 2,000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक, ठीक है, इसका मैं डायरेक्टर हूं, मेरा नाम है दर्शन, तो मेरे को तो लोन दे ही नहीं सकते, दिस इज मी फ्यू एजीज few kgs and few years back, ठीक है, this is me, तो मेरे को लोन नहीं दे सकते, मेरे रिलेटिव मेरी मॉम को लोन नहीं दे सकते, मेरे रिलेटिव मेरे डैड को लोन नहीं दे सकते, मेरे सिस्टर को लोन नहीं दे सकते, वाइफ को लोन नहीं दे सकते, मेरे बिजनेस पार्टनर या ऐसे किसी भी पर्सन को या कंपनी को लोन नहीं दे सकते जो मुझसे कनेक्टेड है। यह सिंपल लॉजिक है 185 का। यह सेंटेंस आपने अगर पहले पॉइंट में लिख दिया, वैल्यूअर को समझ में आ जाएगा कि इसने 185 थरोली पढ़ा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना। अब इसके बाद में अगर मैं बोलू तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, यह सेक्शन अप्लीकेबल है कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में, बहुत सारे बच्चों को इसकी अप्लीकेबिलिटी ठीक से समझ में नहीं आती, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल है कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के केस में। किसको अप्लीकेबल है उसके लिए एक मैं चार्ट दे दूं, सेक्शन 185 इज अप्लीकेबल टू, सबसे पहले इज अप्लीकेबल, ये कुछ सेक्शंस में, मतलब कुछ दिनों पहले इसके अंदर डिस्प्यूट था, तो एक बैच शायद ऐसी होगी जिसके अंदर मैंने ये चीज को नहीं बोला होगा बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, तो उसको समझ लेना। सेक्शन इज अप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज एंड सेक्शन इज अप्लीकेबल टू प्राइवेट, सभी पब्लिक को अप्लीकेबल है, पब्लिक की सब्सिडियरी को भी अप्लीकेबल है। सेक्शन इज अप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी इन विच
सिर्फ उन प्राइवेट कंपनी को अप्लीकेबल है जिनका बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट इज एक्सीडिंग लोअर ऑफ ट्वाइस पेड अप कैपिटल और 50 crores, या तो फिर द अदर बॉडी वेयर अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड मनी. सिर्फ उन्हीं को अप्लीकेबल है जिन्होंने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से लोन लिया है जो उनके लोअर ऑफ को एक्सीड करता है. व्हाट इज लोअर ऑफ? 2 times ऑफ पेड अप कैपिटल एंड 50 करोड़, इसको एक्सीड करता है. या फिर वो कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसमें अदर बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट है. सिंपली मतलब मैं प्राइवेट कंपनी हूं, अगर बैंक ने मेरे अंदर पैसा डाला है, बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा डाला है, और अगर ये पैसा मैं दे रहा हूं डायरेक्टर को लोन के तौर पर, तो ये फ्रॉड है. सिंपल सी बात, ऐसा एप्लीकेबिलिटी आपने याद रखना. स्क्रीनशॉट निकालते जाइए फटाफट. ले लिया सबने? अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर 185 में क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है इसको समझने में. बहुत सारे बच्चों को इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो अच्छे से समझना. सबसे पहली बात, कंपनी लोन नहीं दे सकता है किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को. स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आता है हम देखेंगे. दूसरी बात, कंपनी गारंटी श्योरिटी देना चाहता है फॉर द लोन गिवन बाय स्पेसिफाइड पर्सन टू थर्ड पर्सन. स्पेसिफाइड पर्सन मतलब डायरेक्टर किसी थर्ड पार्टी को लोन देना चाहता है, कंपनी गारंटी श्योरिटी देना चाहता है, तो बेटा गारंटी श्योरिटी अलाउड नहीं है. लोन वो दे सकता है, वो उनका प्रॉब्लम है, स्पेसिफाइड पर्सन और डायरेक्टर का. मैं अगर कंपनी का स्पेसिफाइड पर्सन हूं, मैं मेरे थर्ड पार्टी को, मेरे रिलेटिव को, मेरे मॉम डैड को मैं लोन देना चाहता हूं पर्सनली, तुमको क्या दिक्कत है? सिर्फ कंपनी गारंटी श्योरिटी ना दे. फिर थर्ड पर्सन अगर लोन देना चाहता है स्पेसिफाइड पर्सन को, तो कंपनी ऑब्वियसली गारंटी श्योरिटी नहीं दे सकता, लोन वैलिड है. और अगर स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन को लोन देना चाहता है तो कंपनी गारंटी श्योरिटी नहीं दे सकता, लोन जरूर वैलिड है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? बहुत सारे बच्चे यहां लोन को भी इनवैलिड करते हैं. ना, सिर्फ गारंटी श्योरिटी इनवैलिड है. ये सब प्रोहिबिटेड है या एक तो सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन है. लेकिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर और वोल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हो. क्यों दे सकते हो? बिकॉज वो वोल टाइम कंपनी में रहते हैं, उनकी जिंदगी कंपनी के भरोसे पर चल रही है, तो उनको आप लोन दे सकते हो. एक तो उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी गई है एज एन एम्प्लॉय. या तो फिर आप जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो उनको लोन देने के लिए, तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. और लिखा है, दोनों के बीच में क्या लिखा है और, ये चीज को याद रखना. अगर आपकी कंपनी बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, निधि कंपनी है जिनका मेन बिजनेस फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग है, तो ऑब्वियसली आप कितना भी लोन दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है कांसेप्ट? अगर लोन दिया जाता है, लोन और गारंटी देता है होल्डिंग कंपनी वोली ओन सब्सिडरी के लिए. देखो, होल्डिंग कंपनी वोली ओन सब्सिडरी को दे रहा है तो गारंटी दे सकता है, लोन और गारंटी. लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी सिर्फ सब्सिडरी को दे रहा है, सिर्फ सब्सिडरी को, तो सिर्फ गारंटी दे सकता है, यहां लोन नहीं दे सकता. ये डिफरेंस आपको बड़े अच्छे समझना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता. क्लियर है कांसेप्ट? फिर इसके बाद में सवाल उठता है, हु इज स्पेसिफाइड पर्सन, और कौन से केस में स्पेशल रेजोल्यूशन है, कौन से केस में प्रोहिबिटेड है. स्क्रीनशॉट आप निकालते जाइए. निकाल लिया सबने? नेक्स्ट वाला, कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है और कौन से नॉर्मल पर्सन है. होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी लेंडिंग, लेंडिंग कंपनी की सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी. अब ये एट रैंडम कंपनीज है तो जरा ध्यान देना. होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है पी, लेंडिंग कंपनी जो लोन दे रही उसका डायरेक्टर है क्यू, सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर है आर. पहली बात, लेंडिंग कंपनी खुद के डायरेक्टर क्यू को लोन दे नहीं सकती है, प्रोहिबिटेड है. होल्डिंग कंपनी भी खुद के डायरेक्टर को लोन दे सकती है, सब्सिडरी में दे सकती. क्लियर कंसेप्ट? लेकिन लेंडिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकती. ये बड़ी स्टार मार्क चीज है. लेंडिंग कंपनी होल्डिंग के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, ना ही होल्डिंग के किसी स्पेसिफाइड पर्सन को ये लोन दे सकती है. ये भी प्रोहिबिटेड है, इसके भी स्पेसिफाइड पर्सन प्रोहिबिटेड है, इनको भी लोन नहीं दे सकती. क्लियर है कांसेप्ट सबको? हाँ, है ना. लेकिन लेंडिंग कंपनी सब्सिडरी को लोन जरूर दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सब्सिडरी के स्पेसिफाइड पर्सन को भी लोन दे सकती है. बहुत सारे बच्चों को यह चीज नहीं पता. सब्सिडरी कंपनी लोन देना चाहती है होल्डिंग टू होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, तो यह भी अलाउड नहीं है बेटा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. सो व्हाट इज नॉट अलाउड? लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी एंड इट्स होल्डिंग कंपनी. लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी एंड इट्स होल्डिंग कंपनी, पहला, ये टोटली प्रोहिबिटेड है, इसको आप लोन दे ही नहीं सकते, ना ही स्पेशल रेजोल्यूशन, ना ही सीजी अप्रूवल, भगवान का भी अप्रूवल ले लो नहीं दे सकते. क्लियर? फिर आता है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर. लेंडिंग कंपनी खुद के डायरेक्टर डी के रिलेटिव को लोन नहीं दे सकता. क्लियर है? रिलेटिव आपको पता है 2 subsection 77 रिलेटिव रहते हैं साथ साथ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और उसके अंदर दो ऊपर दो नीचे, एक इधर एक उधर, अगर आपको याद होगा तो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को सच डायरेक्टर आप लोन नहीं दे सकते. फिर उसके बाद में ये भी प्रोहिबिटेड है टोटली, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते. एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर इज रिलेटिव और पार्टनर, इसको भी लोन नहीं दे सकते. इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा. लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर डी, डायरेक्टर डी का रिलेटिव आर, डी एक फर्म में पार्टनर था डी एंड कंपनी, आर एक फर्म में पार्टनर था आर एंड कंपनी, डी एंड कंपनी में जहां डी पार्टनर था उसका पार्टनर था एक्स, आर एंड कंपनी जहां आर पार्टनर था उसका एक पार्टनर है वाई. अब लेंडिंग कंपनी लोन देना चाहती है डी एंड कंपनी को, नहीं दे सकती. लेंडिंग कंपनी लोन देना चाहती है एक्स पार्टनर जो डायरेक्टर का पार्टनर है, नहीं दे सकती. लेंडिंग कंपनी लोन देना चाहती है डायरेक्टर के रिलेटिव के फर्म को, नहीं दे सकती. लेंडिंग कंपनी लोन देना चाहती है डायरेक्टर के रिलेटिव के फर्म के पार्टनर को.
या तो फिर सीधा डायरेक्टर के रिलेटिव के पार्टनर को, देखो सिर्फ पार्टनर ऑफ डायरेक्टर प्रोहिबिटेड है, डायरेक्टर के रिलेटिव का पार्टनर तो अलाउड है, तो आप ये लोन दे सकते हो। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, चाहिए तो क्लिक कर लो फोटो, स्क्रीनशॉट कर लिया सबने, ये चीज को याद रखना। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, इससे एक छोटा सा डायग्राम अलग से दे दूं। डायरेक्टर के पार्टनर को लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर के फर्म को लोन नहीं दे, सॉरी रिलेटिव के पार्टनर को लोन दे सकते हो, डायरेक्टर के फर्म को लोन नहीं दे सकते, रिलेटिव के फर्म को लोन नहीं दे सकते, सिर्फ रिलेटिव का पार्टनर अलाउड है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज होने के बाद में ये प्रोहिबिटेड है टोटली। अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं। चार लोग हो गए, डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी। हाँ, स्पेसिफाइड पर्सन अच्छे से याद रखना, स्पेसिफाइड पर्सन अगर याद है तो 188 का रिलेटेड पार्टी याद रहेगा, और 188 का रिलेटेड पार्टी याद है तो उसके आईबीसी के रिलेटेड पार्टी बड़े अच्छे से याद रहेंगे। क्लियर है? लेकिन यही स्पेसिफाइड पर्सन याद नहीं है तो आपको 188 का रिलेटेड पार्टी भी याद नहीं होगा। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। हम इसी स्पेसिफाइड पर्सन से 188 के रिलेटेड पार्टीज भी बनाएंगे। प्राइवेट कंपनी इन विच सच अ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर है डी, वो डी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है और के प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर है, तो ऐसे सिचुएशन में डी प्राइवेट लिमिटेड को भी लोन नहीं दिया जा सकता, के प्राइवेट लिमिटेड को भी लोन नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें रिलेटिव कवर्ड नहीं है। एग्जाम में इंस्टीट्यूट बड़ी कातिल है, वो क्या पूछती है, अ कंपनी प्राइवेट कंपनी इन विच रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज वाइफ ऑफ डायरेक्टर इज मेंबर, क्या लोन दे सकते हैं? बच्चे लिखते हैं नहीं नहीं, क्योंकि फॉर्म पड़ा है। बेटा प्राइवेट कंपनी जिसमें रिलेटिव है ना मेंबर या डायरेक्टर, उसको आप लोन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटली अच्छा, ये भी प्राइवेट कंपनी है इसीलिए प्रोहिबिटेड है, पर अगर आप जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो इन प्राइवेट कंपनी को लोन देने के लिए, और साथ में ये उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, एक ही कंडीशन है, दो मत मानना, एक ही कंडीशन, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, ऐसा बोलो, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी अलाउड है। ये हो गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बाद में अगला आता है बॉडी कॉर्पोरेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, बढ़िया। अगला आता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एट द जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज्ड और कंट्रोल्ड बाय सच डायरेक्टर और बाय टू और मोर सच डायरेक्टर। इसको थोड़ा सा ऐसे बोलना, बॉडी कॉर्पोरेट हुज, बॉडी कॉर्पोरेट हुज, सब जन करो, बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट हुज 25% ऑफ वोटिंग पावर हेल्ड बाय लेंडिंग कंपनी, और 25% वोटिंग पावर हेल्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी। ठीक है, सो बॉडी कॉर्पोरेट हुज 25% वोटिंग पावर हेल्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी, आप इसको लोन नहीं दे सकते। क्लियर है कंसेप्ट? मतलब देना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए अलाउड है, पर नहीं देना चाहिए। लेंडिंग कंपनी एबीसी कंपनी को लोन देना चाहती है जिसमें डायरेक्टर डीईएफ ये ऑलरेडी 10-10% करके 10-10% करके अच्छा खासा वोटिंग पावर होल्ड कर लिए थे, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको लोन दे सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वाला, एनी बोर्ड कॉर्पोरेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर वेयर ऑफ इज अकस्टम टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी। मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज मैनेजमेंट, सिंपली कम से कम वर्ड, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज मैनेजमेंट अकस्टम्ड, अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी। बात खत्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना। सो लेंडिंग कंपनी लोन देना चाहती है एबीसी लिमिटेड को। अरे क्या हो गया इसको? ओके, सो लेंडिंग कंपनी लोन देना चाहती है एबीसी लिमिटेड को, डायरेक्टर है डीईएफ और एबीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकी बातें सुनते हैं और इन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। अकस्टम्ड ये वर्ड की वर्ड है, अकस्टम्ड ये वर्ड आपने लिखना ही है एग्जाम में, अकस्टम्ड है तो ऐसे सिचुएशन में लोन नहीं दिया जा सकता, देना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ये सात लोग यहां पे खत्म होते हैं। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटकन। वेरी गुड। सबसे पहला मैं वापस रिपीट करता हूं, डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर कंसेप्ट? फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, प्राइवेट कंपनी इन विच सच डायरेक्टर इज डायरेक्टर और मेंबर, बॉडी कॉर्पोरेट हुज 25% वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट इज अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं सेक्शन 185 में जो लोन नहीं है, मतलब जो लोन जैसे दिखती है बट फिर भी लोन नहीं मानी जाती। पहला है एनी लोन और एडवांस मेड टू ए ट्रस्ट इन विच डायरेक्टर इज ट्रस्टी। ट्रस्ट का बेनिफिशियरी ट्रस्ट का बेनिफिट बेनिफिशियरी को जाता है, ट्रस्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ट्रस्ट को लोन देना अलाउड है जिसमें डायरेक्टर ट्रस्टी है। दूसरा, एनी कॉजी लोन, जो लोन नहीं है। अब कॉजी लोन समझाने का समय नहीं है, रेगुलर बैच में 10-15 मिनट का डिस्कशन होता है बट अभी समय नहीं है। नेक्स्ट वाला, एनी एडवांस और डिपॉजिट मेड इन कनेक्शन विद हायर परचेस और लीजिंग एग्रीमेंट। अगर मैंने कंपनी को बिल्डिंग गिरवी रखा है और बिल्डिंग के तौर पर मुझे कंपनी ने डिपॉजिट
डिपॉजिट दिया है, पगड़ी के तौर पे डिपॉजिट देते हैं ना लीज एग्रीमेंट में, तो इसको लोन नहीं माना जाएगा। एनी एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ द डायरेक्टर एज पर द रूल्स, मतलब बोनाफाइड सैलरी एडवांस, इसके ऊपर केस हुआ है एमआर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि अगर बोनाफाइड सैलरी एडवांस आप देते हो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को तो ऐसे सिचुएशन में वो वैलिड है। बोनाफाइड मतलब जितना सबको दिया जाता है उतना ही, उन्हीं टर्म्स के हिसाब से। अगला, एनी इन्वेस्टमेंट मेड इन एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है डायरेक्टर के लिए क्वार्टर लेने में, क्वार्टर मतलब क्वार्टर नहीं, भले ही कंपनी डायरेक्टर को क्वार्टर दिया हो और डायरेक्टर उस क्वार्टर को बहुत एंजॉय कर रहा हो, रहने के लिए क्वारंटीन चल रहा है ना, सो डायरेक्टर उस क्वार्टर को बहुत एंजॉय कर रहा हो, बट फिर भी क्वार्टर ये कंपनी के नाम पे है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो इसको लोन नहीं माना जाएगा। हाउस बिल्डिंग लोन, ये पहले हुआ करता था क्योंकि पहले इसमें सीजी अप्रूवल था, अब इसमें सीजी अप्रूवल नहीं लगता, इसलिए अभी इसमें कोई भी हाउस बिल्डिंग लोन वगैरह के लिए कोई भी परमिशन नहीं दिया गया, तो एक लॉस कट गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला, एनी लोन मेड टू अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी लोन गिवन बाय होल्डिंग कंपनी टू डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ये अलाउड है, हमने पहले ही देखा। एनी लोन गिवन और एनी एडवांस गिवन फॉर सर्विसेज और गुड्स टू बी रेंडर्ड, ये सेक्शन 188 में कवर होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, दैट्स व्हाई हमने इसको स्किप किया है। और सेल ऑफ कंपनीज फ्लैट टू डायरेक्टर ऑन क्रेडिट बेसिस, ये भी 188 में कवर होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, इसलिए हमने यहां से इसको स्किप किया है। इतनी चीजों को यहां पे वैरायटी 5 में लोन नहीं माना जाता, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया डॉक्टर फ्रेडरिक आदर्शी मेहता, एमआर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। लव यू विजय सर। बहुत बढ़िया, सबने लिखा है कंपनी शॉल नॉट गिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन टू सच अ पर्सन। चलो डन एवरीबॉडी, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये चीज होने के बाद में अब मैं अगले कंटेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। अब है 185 का केस लॉ डॉक्टर फ्रेडरिक आदर्शी मेहता, जिसमें लास्ट 10 केस मैंने कैरी की थी। डॉक्टर फ्रेडरिक आदर्शी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड्स दैट जो चीजें लोन नहीं है उनको लोन मत बनाओ, जैसे लास्ट 10 केसेस लोन नहीं थे। एमआर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये केस मैंने ऑलरेडी बोला है, हर एक बुक में अवेलेबल रहेगा, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। बोनाफाइड सैलरी एडवांस क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में पढ़ते रहना, डन। चलो ये चीज, हाँ यहां एक वर्ड का आपको प्रॉब्लम जाएगा, लैक्सिटी। लैक्सिटी मतलब रिलैक्सेशन इन रिकवरी, अगर आप लोन देते हो डायरेक्टर के रिलेटिव को रिलैक्स रिकवर करते हो, नहीं चलेगा, प्रॉपरली रिकवर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, इसलिए मेरे को इसको बहुत अच्छे से समझाना जरूरी है, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा एक मिनट जाएगा पर अच्छी चीज समझ में आएगी, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का ज्ञान ही नहीं है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दर्शन इस्पात लिमिटेड ने मेरे को अपॉइंट किया एज अ सी एस और एज अ सी ए, फॉर एग्जाम्पल कंप्लायंस ऑफिसर एज अ एम्प्लॉय या फिर एज अ सी एफ ओ, एज अ सी ए मतलब एज अ सी एफ ओ, ठीक है। फिर दर्शन इस्पात लिमिटेड ने जब मुझे एम्प्लॉय करके अपॉइंट किया तो मुझे लोन दिया ₹2 करोड़ का, यह लोन 10 साल के लिए वैलिड था, 10 ईयर्स, ये लोन 10 साल के लिए वैलिड था। लेकिन इमीडिएटली 4 साल बाद मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे को बना दिया गया डायरेक्टर, मेरे को बना दिया गया डायरेक्टर, प्रमोशन हो गया मेरा। अब 4 साल के अंदर ये हो गया, 4 ईयर्स यहां हुए थे, 6 ईयर्स यहां बाकी है, लोन अभी भी एग्जिस्टिंग है। तो मेरा सवाल है, क्या इस लोन को सेक्शन 185 लगेगा या सेक्शन 185 नहीं लगेगा, बताइए, सोच के बताना, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं क्या 185 लगेगा या 185 नहीं लगेगा। ऐसा ही एक और केस लिख के देता हूं चाहिए तो, दर्शन इस्पात लिमिटेड में ₹2 करोड़ का लोन दिया था एक एम्प्लॉय को, किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय था, उसको लोन दिया था, बोनाफाइड सैलरी एडवांस भी नहीं, नॉर्मल लोन दिया था, या किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया था 2 करोड़ का, एवी दिया था, 10 साल का लोन था, सेम 10 ईयर्स, 4 साल बाद में, 4 ईयर्स बाद में ये एम्प्लॉय का मैरिज हो गया डायरेक्टर से और ये रिलेटिव हो गया, आ गया मैरिज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये रिलेटिव में आ गया, 4 साल खत्म हुए थे, 6 साल बाकी है। मेरा सवाल है, क्या इस लोन के लिए सेक्शन 185 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सोच के बोलना, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बताइए इसको लोन में कवर किया जाएगा
या नहीं किया जाएगा, बताइए। सब जन नो बोल रहे हैं, जैसा का तैसा बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं जिंदगी में। बहुत बढ़िया, जैसा का तैसा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने जैसा का तैसा बोला उनको मालूम है ऑलरेडी ये क्या चल रहा है। तो अगर ये लोन जैसा का तैसा है, लोन में नो चेंज है और जैसा ही चलने वाला है, आप वैसे ही रिपे करने वाले हो, तो यहाँ पे 185 नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस लोन में आप चेंज करोगे तो इस सिचुएशन में 185 लग जाएगा। क्लियर है आंसर? सेम हियर, अगर नो चेंज है लोन में, मतलब डायरेक्टर से शादी होने के बाद कोई फेवर नहीं हो रहा है, कोई नहीं, सब चेंज, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो 185 नहीं लगेगा। अगर इसमें आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो 185 लग जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? ये चीज को याद रखना, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। चलो, यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सेक्शन नंबर 185 का होता है खत्म। 185 के बाद में अगला सेक्शन जो हमने देखना है, दैट इज सेक्शन नंबर 188, जो है रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन का। मैं उसके ऊपर जा रहा हूं, आ जाइए। चल, लेट्स गो। जो सेंटेंस आपने 185 में यूज किया था बच्चों, सेम सेंटेंस आप 188 में यूज कर सकते हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? हमने 185 में क्या सेंटेंस किया था? कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल करता है। सेम 188 में कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बोला तो भी चलेगा। कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए जो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? सो 188 में कितनी चीजें कवर्ड है? पहले 188 में गुड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कवर्ड था, जिसके लिए ओल्ड सेक्शन मैंने लिखे, इसको निगलेक्ट कर देना। नया सेक्शन सबको कंबाइन करके एक आया है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में 3 सेक्शन थे इसके लिए, उसके एडिशन में भी इसके अंदर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे, सॉरी, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं थे, शेयर कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड नहीं थे इसके अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड नहीं थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर कवर्ड नहीं थे ओल्ड कंपनीज एक्ट के अंदर। नियरली 6-7 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है जो हम यहां पे कवर करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स, दूसरा है सर्विसेस, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीजिंग चौथा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी ओल्ड कंपनीज एक्ट में बिल्कुल कवर्ड नहीं था। लीजिंग इज अ फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा है बेटा एम्प्लॉयमेंट, सिक्स्थ है एजेंसी, और सेवन्थ है शेयर्स का अंडरराइटिंग, शेयर्स का अंडरराइटिंग एक्सेट्रा। तो अभी 188 शेयर्स के अंडरराइटिंग से लेके लीजिंग तक के हर एक चीज को अप्लीकेबल होता है। सेंटेंस वही है, कंपनी ने ऐसे किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए जो उस पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकता है। बिकॉज कंट्रोल करेगा तो फ्रॉड करेगा, और नहीं भी किया हम रिस्क क्यों ले, और करना भी है तो रिजोल्यूशन के साथ करेंगे। सो कंपनी शॉल नॉट गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू एनी सच अ पर्सन और एम्प्लॉयमेंट टू सच अ पर्सन हु कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द सेम। लिखो कमेंट के अंदर ये सेंटेंस, मतलब 188 का आपको याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए। क्लियर है आंसर? अब 188 टोटली प्रोहिबिट नहीं करता। 7 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बोले, सातों के सातों में यहां पे मेंशन कर दूं। सबसे पहले गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेलिंग और बाइंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट लीजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चौथा सर्विसेज, पांचवा एजेंटी एजेंसी, फिर ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। बड़ा टेक्निकल वर्ड है बेटा, की वर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट एग्जाम में आना ही चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट। अगर मेरे रिलेटिव को मैंने कंपनी में एम्प्लॉय बना दिया तो मेरे लिए तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट ही है ना, मैं तो उसके इन्फ्लुएंस से उसको एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी बना सकता हूं। सो की वर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, इसको हम प्यार से ओपीपी कहते हैं, ओपीपी। इसके आगे मैं वर्ड ओपीपी ही यूज करूंगा। नीचे अगला वाला अंडरराइटिंग, 7 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आप नहीं कर सकते। और आपको बोलूं तो मैक्सिमम सभी कॉन्ट्रैक्ट का अगर टाइप देखो तो उसमें ये 7 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाते हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट 7 टाइप्स में कवर हो जाते हैं। क्लियर है? इसमें से आपको कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल है, रूल 15 बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रूल 15 के अबव कोई कॉन्ट्रैक्ट है, रूल 15 के अबव मतलब रूल 15 में जो लिमिट दी है, हम देखेंगे लिमिट, बिग कॉन्ट्रैक्ट आप इसको बोल सकते हो। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट बिग है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 3 महीने में भी पास कर सकते हो, आप 3 मंथ्स में भी इसको पास कर सकते हो अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट रहा तो। जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रायर बोला है रिकमेंडेड है, पर इसको भी आप 3 मंथ्स के अंदर पास कर सकते हो। जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसमें इतना ट्रांजिशन है मतलब आप परेशान हो जाओगे। पहले इसमें पेड अप कैपिटल लिमिट थी, वो निकाल के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लाया, वो निकाल के स्पेशल रिजोल्यूशन लाया, फिर उसको निकाल के वापस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लाया, फिर से ऑडिट कमेटी का ओमनीबस अप्रूवल डाला। मतलब ये सेक्शन हर अमेंडमेंट एक्ट में अमेंड हुआ है, हर अमेंडमेंट एक्ट में जितने अमेंडमेंट एक्ट आए सब में अमेंड हुआ है। क्लियर है कांसेप्ट? तो बड़े अच्छे से इसको समझना, ये फाइनल अमेंडमेंट है जो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है मतलब स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बोल सकते हो, बोलना चाहो तो,
अदर कोई स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 3 महीने के अंदर पास कर दिया तो काम हो जाएगा। कुछ केसेस में ये दोनों रेजोल्यूशन नहीं लगते, जैसे ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है एंड आर्म लेंथ प्राइस पे है, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, तो 188 सेक्शन इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता। आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट को सीधा कर सकता है। होल्डिंग कंपनी खुद के वुल्लियन सब्सिडरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, टोटली एग्जाम्प्ट है, ये चीज को याद रखना। ये चीज होने के बाद में इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में अगर डायरेक्टर इमरजेंसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेता है और फिर 3 महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग का और जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशन में इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके खिलाफ हो सकते हैं। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सिक्वेंसेस समझ में नहीं आती, याद रखना। पहला, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी और जनरल मीटिंग, जिसका अप्रूवल चाहिए। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और जनरल मीटिंग वॉइड करेगी, अगर छोटा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, कंपनी का मतलब यहां पे होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी अमेंडमेंट आया है, ये लास्ट टाइम अमेंडमेंट आया था, हर इसमें अमेंड हो रहा है, हर एक्ट में, हर अमेंडमेंट एक्ट में। डायरेक्टर शॉल इंडेमनीफाई द कंपनी, कंपनी के लॉस को डायरेक्टर साइट ऑफ करेगा। डायरेक्टर विल बी कॉन्विक्टेड अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, 25,000 से 5 लाख का फाइन, 1 साल की जेल हो सकती है। 1 साल की जेल लिस्टेड कंपनी के केस में होगी, अनलिस्टेड में नहीं होगी। साथ में सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और वैकेट करोगे 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। अगर आप 167 में वैकेशन नहीं करते हो, 167 में वैकेशन नहीं करते हो, तो सबसेक्शन 2 का पेनल्टी 1 लाख से 5 लाख और 1 साल की जेल। इतने कॉन्सिक्वेंसेस। इसके भी एडिशन में ये चीज बोली गई है, अगर डायरेक्टर में, सुन लो, छठवां कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्टर ने सीक्रेट प्रॉफिट किया है, डायरेक्टर ने सीक्रेट प्रॉफिट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट कंपनी को करना पड़ेगा रिफंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक करके। बहुत बढ़िया, ले लिया सबने। अब हम जा रहे हैं सबसे मेन चीज के ऊपर, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। मैंने आपको बोला था, अगर आपको 185 की डेफिनेशन याद है तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। 185 अगर स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन आपको याद है, तो मेरे पास शायद ड्रॉ किया है तो ऑलरेडी देखो, वरना ड्रॉ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जस्ट लेट मी चेक फर्स्ट, जाने दो, नहीं है तो अपन ड्रॉ कर लेते, आ जाइए यही ड्रॉ कर लेंगे इस पेज के ऊपर। रिलेटेड पार्टी 276, देखो रिलेटिव 277, कंपनीज एक्ट के सभी डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेक्चर 1 में बोला था। 276 रिलेटेड पार्टी, आर 277 रिलेटिव, आर ई एल ए टी आई वी है, यहां टी ई डी है इसलिए पहले आ गया। तो रिलेटेड पार्टी आसपास 76, रिलेटिव 7777, क्लियर है कांसेप्ट, ये चीज को याद रखना। अब मैं यहां पे इसको ड्रॉ करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। जो हमारे 7 पर्सन है, 7 persons, ठीक है, 185 के स्पेसिफाइड persons जो है, उन स्पेसिफाइड पर्सन में आप चेंजेस कर दो तो ये आपका हो जाएगा। कौन कौन से चेंजेस आपको करने हैं 185 टू रिलेटेड पार्टी में, रिलेटेड पार्टी एज पर 188 मतलब टू सबसेक्शन 76 का चेंजेस करने। पहला, होल्डिंग कंपनी का जहां पे भी रेफरेंस है, 185 में सब जगह पे सच्चे डायरेक्टर वर्ड यूज किया था, वो सच्चे डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का रेफरेंस निकाल दो। दूसरा, जहां पे भी वर्ड यूज किया है डायरेक्टर, वहां पे मैनेजर ये वर्ड ऐड कर दो। जहां पे भी वर्ड डायरेक्टर यूज किया है, वहां मैनेजर ये वर्ड आपने ऐड कर देना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये दूसरा डिफरेंस, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। और तीसरा, जो हमारा लेंडिंग कंपनी हम वर्ड यूज करते हैं, लेंडिंग कंपनी, उसके जगह पे आपको वर्ड यूज करना है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, क्लियर है कंसेप्ट? तो मैं इधर 185 के सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन लिखता हूं। 185 का पहला स्पेसिफाइड पर्सन था डायरेक्टर, अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं डायरेक्टर के लिए डी, ठीक है, डायरेक्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म है डी, मैनेजर के लिए शॉर्ट फॉर्म है एम, पार्टनर के लिए शॉर्ट फॉर्म है पी, ये चीज को याद रखना। बाकी सब मैं नॉर्मल लिखूंगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा, डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी एंड इट्स होल्डिंग कंपनी, क्लियर है। दूसरा था रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव के लिए आर, ठीक है। तीसरा, पार्टनर ऑफ सच ए डायरेक्टर। चौथा, फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। पांचवा, प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। सिक्स्थ, बॉडी कॉर्पोरेट हुज 25% वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी। सेवन्थ, बॉडी कॉर्पोरेट हुज मैनेजमेंट is act as per the direction of board of directors of lending company, clear hai concept। isme se related party dekho kaise fatafat fatafat banta hai, main color change karta hu, immediately samajh mein aayega। sabse pehla director likha hai, wahan pe likho director or manager, manager ke liye m, of contracting company।
दूसरा रिलेटिव भी वहां पर वहीं लेके आओ, रिलेटिव ऑफ सच ए डायरेक्टर और मैनेजर। तीसरा पार्टनर जो है, पार्टनर यहां पे नहीं आएगा, सो पार्टनर ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ये रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं होता। चौथा फर्म इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। उसके बाद में पांचवा, पांचवा प्राइवेट कंपनी का, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से सुनना। अ प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर और मेंबर एंड 2% का शेयर होल्डिंग यहां पे होल्ड करता है, ऐसा कोई प्रोविजन है स्पेसिफिकली, इसको जरा ठीक से देखना। लेट मी फर्स्ट चेक इट। कंपनी जैक्ट, डायरेक्टर मॉडल, डायरेक्टर मॉडल, टू परसेंट ऑफ वोटिंग पावर वाला सिचुएशन है। जस्ट लेट मी चेक वंस, मतलब हाँ 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं प्राइवेट कंपनी में ये नहीं है, माय मिस्टेक, प्राइवेट कंपनी में नहीं है, पब्लिक कंपनी में है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन द प्राइवेट, सो डायरेक्टर और मेंबर। फिर उसके बाद में ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है इसको कन्वर्ट कर दो पब्लिक कंपनी में, सिक्स वाला। अब पब्लिक कंपनी बोला गया है जिसके अंदर डायरेक्टर और मैनेजर, देखो वर्डिंग क्या है, अ पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर अलॉन्ग विद द रिलेटिव होल्ड्स दैट इज 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं होल्ड होल्ड होल्ड, इस चीज को एक बार सिर्फ चेक करना प्राइवेट कंपनी वाले को, मेरे को लगता है यहां पे 2% ऑफ शेयर होल्डिंग होना चाहिए करके, जस्ट चेक वंस। यहां पे डायरेक्टर और मैनेजर है या फिर रिलेटिव है जो 2% होल्ड करते हैं, ये तो पता है ऑलरेडी, और यहां पे 2% से ज्यादा लिखा है, मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है। सो मोर देन 2% अगर कंबाइन होल्ड करते तो, जस्ट एक बार प्राइवेट कंपनी का चेक करके मेरे को कमेंट कर देना। फिर उसके बाद में अगला आता है नेक्स्ट वाला सिचुएशन, पब्लिक कंपनी के बाद में आता है बॉडी कॉर्पोरेट, सेवंथ वाला। अब बॉडी कॉर्पोरेट हुज मैनेजमेंट इज अकस्टम टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, ये ऐसा का ऐसा है नियरली। फिर इसके बाद में जो एट्थ आता है ना वो सेवंथ का लॉजिकल इनवर्स है पर एनी पर्सन में, तो एनी पर्सन एज पर हुज इंस्ट्रक्शन, एज पर हुज इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी वर्क्स, मतलब जिसके इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी काम करते हैं वो कवर्ड है, इसलिए पार्टनर यहां से डिलीट हुआ है, पर पार्टनर यहां से डिलीट हुआ पर ये पॉइंट में पार्टनर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा और उसका एम्बिट भी काफी बड़ा है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सिस्टर कंसर्न, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है। और 10th वाला एनी अदर पर्सन एज मे नोटिफाइड एज पर सीजी, जो आपका फेवरेट है, जो नहीं भी पूछा तो भी आप लिख के आ जाओगे, क्लियर है। ये रिलेटेड पार्टी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, किसने कमेंट किया है तो मैं एक देख लेता हूं। हाँ प्राइवेट कंपनी 2% पेड अप शेयर कैपिटल है, बराबर है, राइट। पब्लिक में सिर्फ कैपिटल है, डायरेक्टरशिप नहीं है। चलो डन, समझ में आ गया सबको, हाँ ना। तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, ये 2% वाले सिचुएशन को मैं ब्रेक के बाद थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। एक बार आप कोई चार्ट वगैरह कॉपी कर रहे हो उस वक्त मैं वापस एक बार क्लियर करता हूँ, क्योंकि मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं, कोई गलत सिचुएशन हमको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। चलो रिलेटेड पार्टी होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, पर इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। बिग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है पहले उसको समझेंगे। अब बिग कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब अगर आपको अच्छे से समझना है तो सिर्फ ध्यान देना, लॉजिकली एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात गुड्स है, जब हम बात करते हैं गुड्स की पहले दो चीजें समझ जाओ। एक है बिग कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए नेटवर्थ से कंपेयर करना पड़ेगा और टर्नओवर से कंपेयर करना पड़ेगा, नेटवर्थ और टर्नओवर से कंपेयर करना पड़ेगा, ये बात फिक्स है। अब गुड्स है तो गुड्स आप किससे कंपेयर करोगे, नेटवर्थ है टर्नओवर से, ऑब्वियसली टर्नओवर से। दूसरा प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी किससे कंपेयर करोगे, नेटवर्थ है टर्नओवर से, तो ऑब्वियसली नेटवर्थ से। लीजिंग है किससे कंपेयर करोगे, नेटवर्थ टर्नओवर, हो गए कंफ्यूज, इसलिए दोनों नेटवर्थ एज वेल एज टर्नओवर। सर्विसेज है किसे कंपेयर करोगे, नेटवर्क टर्नओवर, ऑब्वियसली टर्नओवर से। तो देखो जैसा है वैसा उसको लेना है उसके लॉजिक में। अब इसमें 10-10% ऐड कर दो, 10% 10% 10% 10%, फिर 100-100 करोड़ ऐड कर दो, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, लेकिन सर्विसेज गुड्स जितनी नहीं बेची जाती इसलिए 50 करोड़, हाफ
सर्विसेज के लिए स्टार मार्क 50 करोड़ हाफ, क्योंकि गुड्स जितनी नहीं बेची जाती। तो सिंपल है, याद रखना, मतलब अगर इसको मैं हटा भी दूं तो भी याद रखना चाहिए, गुड्स शुड नॉट बी मोर देन लोअर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मोर देन लोअर ऑफ 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़, लीजिंग शुड नॉट बी मोर देन लोअर ऑफ, दोनों आएगा 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़, सर्विसेज 10% ऑफ टर्नओवर और 50 करोड़। फिर ओपीपी, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, वर्ड मैंने बोला था ना, टेक्निकल वर्ड है, 2.5 लाख का मंथली रेमुनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट, और अंडर राइटिंग ये नेटवर्थ है टर्नओवर, तो ऑब्वियसली नेटवर्थ 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा कमीशन नहीं देना है, अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी, इससे कम है तो बोर्ड ऑर्डिनरी से काम बन सकता है, चाहिए तो फोटो खींच के रखो, गो फॉर इट फर्स्ट, डन। इसके बाद में ये पेनल्टीज जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, यहां पे आपका सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन नंबर 188 रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। अब 185 हो गया है, 188 हो गया है, नाउ इट इज अ टाइम कि आप 184 सीखो, अब जाके आपको 184 अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आ जाइए प्लीज, पानी वानी पी लीजिए। एक बार मैं वो नेटवर्थ है टर्नओवर वाला केस एक बार प्राइवेट कंपनी और शेयर कैपिटल वाला केस कनेक्ट कर दूं, क्लियर, होल्ड। ओके, ये क्लियर हो चुका है, सो आ जाइए वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर थोड़ा सा वापस जाते हैं उसको समझने के लिए, वो दोनों क्लॉजेस क्या है, मैं इसको सेपरेटली थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ, जरा ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, ब्रेटेक्स के अंदर मैंने चेक किया है अभी, सो बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो हमारा जो पॉइंट था प्राइवेट कंपनी वाला, फिफ्थ वाला, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्राइवेट कंपनी इन विच, ये रिलेटेड पार्टी कब होगा, प्राइवेट कंपनी इन विच, ठीक है, सच ए डायरेक्टर और मैनेजर और रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और मेंबर, ये सिंपल है प्राइवेट कंपनी के केस में, डायरेक्टर पार्ट मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और मेंबर, ये प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा ही लगेगा, क्लियर है। पब्लिक कंपनी में ये लिखा है, अ पब्लिक कंपनी इन विच, इसमें 2% शेयर होल्डिंग नहीं है प्राइवेट कंपनी में, बेरेटेक्स में नहीं लिखा है, हम नहीं मानेंगे, पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, ये कंडीशन नंबर वन, ये कंडीशन नंबर वन, या फिर कंडीशन ए बोलो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए, एंड एंड डायरेक्टर मैनेजर अलोंग विथ रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2%, डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, ये कंडीशन है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ वाला करेक्ट करके कर देना, ये ऐसा ही है, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और मेंबर, पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड अलोंग विथ रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है, क्लिक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो गुड, हो गया सबका, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, देयर इज अ बेरेटेक्स वाला सिचुएशन, तो ये अब टैली हो चुका है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया सबको, हाँ ना, ये इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। चल अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, अगले सेक्शन में जा रहा हूं, 184 इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, क्लियर है कंसेप्ट, तो 185 और 188 का इंटरेस्ट हम कहां पे डिस्क्लोज करेंगे, तो हम डिस्क्लोज करेंगे बेटा 184 में, इसके लिए मैंने एक्शन करवाई थी, मेरे साथ साथ में इसके एक्शन करना है, ये सेंटेंस आपका सबसे पहले सेंटेंस होना चाहिए 184 में, एनी डायरेक्टर, ऐसा भी नहीं एनी डायरेक्टर, करो सब जन सब एक्शन करो, एनी डायरेक्टर,
हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, करो करो, एनी डायरेक्टर डायरेक्टली, वेरी गुड, इनडायरेक्टली, वेरी गुड, कंसर्न और इंटरेस्टेड, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, वेरी गुड, और प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोज्ड अरेंजमेंट, आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट और आगे वाले अरेंजमेंट कीजिए, वेरी गुड। सो अगेन फिर से एक बार साथ में है, एनी डायरेक्टर हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोज्ड अरेंजमेंट एंटर्ड और टू बी एंटर्ड, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट तो अभी एंटर होगा, प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड होगा, एंटर्ड और टू बी एंटर्ड बाय कंपनी, कंपनी ने खुद ने किया, बाय कंपनी नहीं, बाय कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शॉल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, क्लियर है आंसर। सो वापस से, एनी डायरेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज अरेंजमेंट एंटर्ड, कीजिए एंटर्ड और टू बी एंटर्ड बाय कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शॉल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, शॉल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, क्लियर है आंसर। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो, 188 में कवर्ड, 188 से एग्जाम, 185 में कवर्ड, 185 से एग्जाम, या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, डिक्लेयर इन थ्री वेज, कौन सा इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स मैनेजरियल इंटरेस्ट एंड डायरेक्टर्स रिलेशंस इंटरेस्ट, फाइनेंशियल में जहां पे भी शेयर होल्डिंग है, जहां पे भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जहां पे भी इन्वेस्ट किया है, वो सब, जहां पे भी आप डायरेक्टर मैनेजर हो, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, प्रोप्राइटरशिप के प्रोप्राइटर हो, करता हो एचयूएफ के, क्या करता हो, नहीं करता हो, और डायरेक्टर का रिलेटिव इंटरेस्ट जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मैनेजरियल इंटरेस्ट आएगा, क्लियर है सर। किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, तो बेटा प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा इंटरेस्ट समझना, बिना प्रपोजल आए इंटरेस्ट डिस्क्लोज मत करना, वरना इंटरेस्ट का कोई भी अहमियत नहीं रहता, पहले प्रपोज आने दो फिर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो, जिस बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल आएगा उसी बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करना है, समझ तो गए होगे आप, जहां प्रपोज वहां डिस्क्लोज, पहले ही बोल दिया खुद जाके मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, जहां प्रपोजल वहां डिस्क्लोज, क्लियर है सर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किसी और के साथ एग्जीक्यूटेड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, तुम बाद में इंटरेस्टेड बने, होता है ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है, तुम बाद में इंटरेस्टेड बने, तुम्हारी गलती नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, तुम बाद में इंटरेस्टेड बने, तो जैसे ही इंटरेस्ट बन जाए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करो, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर भी इंटरेस्टेड, छुपा के क्या फायदा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जीक्यूट हो चुका है तो छुपा के करोगे क्या, समझ में आ रहा है सबको। सो अगर वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप अगर आप इंटरेस्टेड हो लेकिन वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रपोज होने तो फिर डिस्क्लोज करो, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड पहले बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोज करो, और आपके इंटरेस्ट ही इतने सारे हैं कि आपको खुद को याद नहीं, हर नए मिनट में दूसरा इंटरेस्ट बनता है, तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक नोटिस, एक बार की पब्लिक नोटिस दे दो कि भाई इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट में इतने रिलेटिव्स के साथ में यहां यहां इंटरेस्टेड हो, जब चाहिए तब ले लेना, ये पब्लिक नोटिस आपने देनी है हर पहले ही डायरेक्टर बनते से ही, पहले ही बोर्ड मीटिंग में, हर साल के पहले बोर्ड मीटिंग में, और जब आपके डायरेक्टरशिप में चेंज आएगा, इंटरेस्ट में चेंज आएगा, उसके पहले बोर्ड मीटिंग में, इस तरीके से इंटरेस्ट डिस्क्लोज करते हैं, समझ में आया, बड़े अच्छे से आया होगा, क्लियर है कंसेप्ट, ये चीज को याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट चीज इसके बाद में, अब अगर हम बोले कि भैया इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया, चलो अगर चार डायरेक्टर में से एक इंटरेस्टेड रहा तो बचे हुए तीन कॉन्ट्रैक्ट पास कराएंगे, जो इंटरेस्टेड है वो रोएगा, लेकिन चार डायरेक्टर्स में से सभी इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड, मी टू, मी थ्री, मी फोर, सभी इंटरेस्टेड है, तो ये तो खुश हो जाएंगे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करके मानेंगे, फ्रॉड करके मानेंगे, यहां दाल में कुछ काला नहीं है, यहां पूरी दाल ही काली है, तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्या, नहीं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रोविजन बनाया गया है, सच ए इंटरेस्टेड डायरेक्टर शॉल नॉट वोट ऑन सच ए रिजोल्यूशन, शॉल नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ सच ए रिजोल्यूशन, शॉल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम ऑफ सच ए रिजोल्यूशन, ये तीनों चीजें नहीं की जाएगी, मतलब जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो बोर्ड मीटिंग का दरवाजा खटखटाएगा, दरवाजा खोलेगा और बोलेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, दरवाजा खोलेगा और बोलेगा मैं इंटरेस्टेड हूं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। लेकिन अगर ये जबरदस्ती दरवाजा बंद, लेकिन जबरदस्ती कहता है मुझे बोर्ड मीटिंग में बैठना है, मुझे प्लीज बैठने दो, दरवाजा खोलो मुझे बैठना है प्लीज, तो इसको अंदर लो, जमीन पे बिठाओ, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो टेबल पे डिस्कशन में नहीं बैठ सकता, बार बार अब जिसका इंटरेस्ट आता रहेगा वो जाके नीचे जमीन पे बैठेगा, बाकी डायरेक्टर पास करेंगे, और मैंने ऑलरेडी कोरम के केस में बोला था डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर दो या दो से ज्यादा चाहिए, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर दो या दो से ज्यादा चाहिए, कोरम गया तेल लेने, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। अब एक्सेप्शन है, सब लोगों को लगता है सेक्शन 184 में एक्सेप्शन है,
सेक्शन 184 का कोई एक्सेप्शन नहीं है। बच्चे बोलते नहीं सर वो 2% वाला है ना, 2% वाला एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है 184 में। 184 में बोला गया है डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर है कंपनी के वो अगर, प्रैक्टिकली देर इज नो एक्सेप्शन, ये अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं या 2% के नीचे तो कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है। साथ में वो कंपनी में डायरेक्टर वगैरह या प्रमोटर या चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह नहीं रहने चाहिए, ये बोला गया है। पर अब जरा अच्छे तरीके से ध्यान देना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ठीक है, हमारे कंपनी के डायरेक्टर है समझो दर्शन इस्पात लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है एबीसी से, और दर्शन इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर है दैट इज पी क्यू आर एस, और ये एबीसी में होल्ड करते हैं फर्स्ट केस में 0.1, 0.1, 0.3, 0.2, टोटल हो गया 1.2, सॉरी बाय मिस्टेक टोटल हो गया 0.7%, तो क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत है? कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं, मान लिया। चलो दूसरे केस में ये होल्ड करता है 2.5%, ये होल्ड करता है 3%, ये होल्ड करता है 1.5%, ये होल्ड करता है 1.5%, ठीक है, 6 और 2 8.5% हो गया, क्या डिस्क्लोज करना है? यस करना है, बिल्कुल करना है, मान लिया। थर्ड केस में ये होल्ड करता है 1.5%, ये होल्ड करता है 1.5%, ये होल्ड करता है 1%, ये होल्ड करता है 1%, 3 और 2 5%, मुझे बताओ डिस्क्लोज करना है क्या? मैं भी मानता हूं यस शुड बी डिस्क्लोज्ड, शुड बी डिस्क्लोज्ड, पर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके हाथ में 2% से कम शेयर है, सबके हाथ में, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है ना, या जितने भी लोग ऑनलाइन है, मैं बोलता हूं सबके हाथ में 483 500 लोग है, और 500 लोगों के हाथ में 1-1% शेयर होल्डिंग है, सभी डायरेक्टर्स है, इमेजिन सभी डायरेक्टर है, मुझे एक बात बताओ आप डिस्क्लोज करोगे? क्योंकि सेक्शन का बोलता है 2% के नीचे तो डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल डायरेक्टर डिस्क्लोज ही नहीं करेगा, और जब इंडिविजुअल डायरेक्टर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो टुगेदर इंटरेस्ट आएगा कहां से? तो टुगेदर इंटरेस्ट फाइंड आउट ही नहीं किया जाएगा, 5% आएगा ही नहीं, आपका 500% बाहर निकलेगा ही नहीं, जितने ही लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो जब डिपार्टमेंट को बोला अरे यार इंडिविजुअल डायरेक्टर इंटरेस्ट डिस्क्लोज किए बगैर टुगेदर इंटरेस्ट आएगा नहीं, और आपने तो एग्जम्पशन देकर रखा है 2% के नीचे, डिपार्टमेंट बोलता अच्छा ऐसा क्या, हम एक काम करते हैं, वन वर्ड निकाल देते, वन वर्ड निकाल दिया, बोले अगर सभी डायरेक्टर का मिलके 2% से ज्यादा है तो डिस्क्लोज कर दो। अबे सभी डायरेक्टर का मिलके 2% से ज्यादा निकालने के लिए तो पहले इंडिविजुअल को देना पड़ेगा ना, तो बोले वन निकाला ना, ये वन निकालने की वजह से बेटा ये हो गया है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। डिपार्टमेंट बोलता है हर डायरेक्टर ने इंडिविजुअल डायरेक्टर ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है तो ही टुगेदर इंटरेस्ट आएगा, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिस्क्लोज होगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिस्क्लोज होगा तो ही जाके तो टुगेदर इंटरेस्ट आएगा ना। नहीं सर कंफ्यूजन, आप समझ नहीं रहे, सेक्शन 184 ना ही मांगता है कोई रिजोल्यूशन, ना ही मांगता है कोई फाइलिंग, ना ही बोलता है कोई टाइम लिमिट, कुछ नहीं, एक चीज मांगता है, एक चीज 184 डिस्क्लोजर दो। आपने एक्सेप्शन में क्या बोला, एक्सेप्शन का अर्थ क्या होता है कि डिस्क्लोजर नहीं देना है, और अभी आप एक्सेप्शन में क्या बोल रहे हो, टुगेदर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो, तो बेटा इंडिविजुअल डायरेक्टर अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा ही टुगेदर के लिए तो एक्सेप्शन का घंटा बचा, एक्सेप्शन तो है ही नहीं ना, और जब तक इंडिविजुअल डिस्क्लोज नहीं करेगा टुगेदर पता नहीं चलेगा। हो सकता है इंडिविजुअल ने डिस्क्लोज करने का टुगेदर 2% के नीचे आए, इसके लिए इंडिविजुअल बोले तो पहले, और इंडिविजुअल को अगर बोलना ही पड़ेगा तो एग्जम्पशन किस बात का, तो प्रैक्टिकली कोई एग्जम्पशन नहीं है सर। पर एग्जाम में क्या करें सर? एज पर आईसीएआई एग्जम्पशन है, देयर इज अ एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन के हिसाब से ही लिखना, लेकिन अब क्या करें जिंदगी में, लॉजिकली मैंने तुमको समझा दिया पर मैं मजबूर हूं एग्जाम के हिसाब से बताने के लिए, सो प्लीज इसको मानना, जल्दी इसी इसके अंदर अमेंडमेंट आएंगे, वी एक्सपेक्ट द सेम, ऐसा कोई भी एग्जम्पशन रहेगा वो निकाल देने वाले हैं, ठीक है, गो फॉर इट, फास्ट पढ़ लो, कैसा लगा बताना जरूर। चलो डन एवरीबॉडी, बेटा निस्वार्थ बेरेटेक्स पढ़ो, उसके अंदर रिलेटिव ऐड कर दिया गया है बेटा, प्राइवेट कंपनी में बेरेटेक्स पढ़ो ई बुक, चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना,
डिस्क्लोजर फॉर्म नंबर MBP 1 में किया जाता है, बोर्ड मीटिंग चैप्टर में से तीन ही फॉर्म है, उसमें से ये है MBP 1। चलो हो गया सबका ये चीज होने के बाद में, अगला 184 यहां पे होता है खत्म। 184 की पेनल्टी पढ़ लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, 184 में डिस्क्लोज नहीं करते तो 184 और या 184 में वोट करते हो तो 187 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी और डी में आपको वैकेशन ऑफ ऑफिस करना पड़ेगा, अगर आपको याद होगा तो, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। यहाँ पे सेक्शन खत्म होता है 184, 185 और 188। 188 का जो रिलेटेड पार्टी रजिस्टर है 189, वो यहाँ पे मैं कवर नहीं करने वाला, सिर्फ रीडिंग का सेक्शन है, खुद रीड कर लेना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मैं जा रहा हूँ 186 के ऊपर, जो हमारा सेक्शन बाकी है, आ जाइए, इसको मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सो मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा प्लीज, मुझे भी नहीं पता ये चार्ट कहाँ पे छुपा बैठा है, इधर ही चार्ट तू छुपा है कहाँ। सीरियस 186 बड़े अच्छे से बना के रखा है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है, लेट्स गो। एकदम मस्त चार्ट है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो समझ में आएगा। पहला, सबसे पहला सेंटेंस है 186 का कि किसी भी इंडियन कंपनी को 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज अलाउड नहीं है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी मतलब आपकी सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज अलाउड नहीं है। मतलब ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड, ये एक लेयर हुआ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का, बी लिमिटेड की सब्सिडरी सी लिमिटेड, ये सेकंड लेयर हुआ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का, फिर इसके बाद में सब्सिडरी नहीं आ सकती। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अलग बात, बट सब्सिडरी नहीं आ सकती। हाँ, अगर आप नॉर्मल सब्सिडरीज बनाना चाहो तो आप चाहे जितने बना सकते हो, जैसे टाटाज ने बना के रखे है, क्लियर है, जितने चाहे उतने सब्सिडरी, हर सब्सिडरी को दूसरे सब्सिडरी है तो कर सकते हो। ये मतलब है 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का। दूसरा, अब हम आते हैं 186 में लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी, जिसके अंदर तीन चीजें कवर होती है, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, श्योरिटी। लोन में लोन टू स्पेसिफाइड पर्सन जो हमने 185 में कवर कर लिया तो खत्म हो गया, फिर लोन टू थर्ड पर्सन जो हम यहां 186 में कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड पर्सन वो भी यहां कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन 185 में नहीं आता, इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पर्सन वो भी हम यहां पे कवर करेंगे, गारंटी श्योरिटी टू थर्ड पर्सन यहां कवर करेंगे, गारंटी श्योरिटी टू स्पेसिफाइड पर्सन हमने 185 में कवर कर लिया है ऑलरेडी, 185 हमारा हो चुका है। 186 में बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, 186 में सबसे पहली चीज आपको कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, किसी भी अमाउंट के लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी के लिए, एक बार फिर बोलता हूं, किसी भी अमाउंट के लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी के लिए तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा। बोर्ड का कौन सा रेजोल्यूशन? यूनानिमस। ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता 175 में, ये हमने अभी अभी देखा है थोड़ी देर पहले, कह रहे यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा हर अमाउंट के लिए, हर अमाउंट, हर पैसे के लिए, 1 रुपए के लिए भी गारंटी श्योर। दूसरा कंडीशन है, अगर एग्जिस्टिंग, ई मतलब एग्जिस्टिंग, पी मतलब प्रपोज्ड, एग्जिस्टिंग लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी टुगेदर, इसलिए सबके बीच में प्लस लिखा है, एग्जिस्टिंग लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी प्लस प्रपोज लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी ऑब्लिक में है, मतलब प्रपोज लोन और इन्वेस्टमेंट और गारंटी और श्योरिटी जो भी है जो एक्सीड करेगा, टोटल दोनों का टोटल exceeds higher of 60% of paid-up capital free reserve securities premium or 100% of free reserves of securities premium, whichever is higher को exceed कर रहा है, whichever is higher को exceed कर रहा है, तो ऐसे proposed loan investment guarantee surety के लिए general meeting का special resolution लगेगा। general meeting का कौन सा resolution लगेगा? special। सर ये समझ में नहीं आता, थोड़ा सा समझाइए, तो जरा ध्यान देना, paid-up capital 100 करोड़ का, फ्री रिजर्व 40 करोड़ का, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 करोड़ का, टोटल 160 करोड़, 160 करोड़ का 60% 96, 96 एंड 160 करोड़ का में से 60 करोड़ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम का 100% बोला है ना, 60% ऑफ फ्री रिजर्व पेड़ कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो 100% दैट इज 60 करोड़, 96 करोड़ और 60 करोड़ में से विच इज हायर, 96 करोड़। एग्जिस्टिंग लोन था 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट था 30 करोड़, गारंटी था 5 करोड़, सिक्योरिटी था 7 करोड़, टोटल 92 करोड़। अब हमारी लिमिट है 96 करोड़, 92 करोड़ तक पहुंच गए, प्रपोज लोन करना चाहते हैं 2 करोड़ का, 92 करोड़ प्लस प्रपोज लोन ऑफ 2 करोड़, इसके लिए बोर्ड मीटिंग यूआर तो लगेगा ही लगेगा, बोर्ड मीटिंग यूआर तो लगेगा ही, पर टोटल 94 हुआ, 96 को एक्सीड नहीं किया तो जनरल मीटिंग का स्पेशल नहीं लगेगा क्योंकि 94 ही हुआ। अब 94 टोटल लिया जाएगा, ये 94 टोटल लिया जाएगा अगले इन्वेस्टमेंट के लिए, अगला जो इन्वेस्टमेंट नया कर रहा है 5 करोड़, इसके लिए टोटल लिया जाएगा, क्लियर है, 94 क्योंकि एग्जिस्टिंग जो 2 करोड़ का लोन था नया अभी जो किया था वो तो एग्जिस्टिंग हो गया अभी, सो 94 प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़, अब ये एक्सीड कर रहा है 99 करोड़, 96 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड मीटिंग का यूनिवर्स जनरल मीटिंग का स्पेशल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना अच्छे से, चाहिए तो रिवर्स करके देखो, 99 करोड़
ये बीच बीच हायर को एक्सेड कर रहा है, इसलिए बोर्ड मीटिंग का यूनिवर्स जनरल मीटिंग का स्पेशल। फिर ये 99 करोड़ एक्जिस्टिंग हो जाएंगे, समझो नई गारंटी श्योरिटी आप कर रहे हो 7 करोड़ की, उसके लिए भी बोर्ड मीटिंग का यूनिवर्स जनरल मीटिंग का स्पेशल 106 करोड़ एक्सेड 96 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को अच्छे से याद रखना, क्लियर है? ये हो गया दूसरा अप्रूवल जनरल मीटिंग का स्पेशल। तीसरा पीएफआई का अप्रूवल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पीएफआई का अप्रूवल आपको तब लेना है जब आपने पीएफआई से लोन लिया है, नॉर्मल एफआई से नहीं। नॉर्मल एफआई है आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी एक्सेट्रा, आपने पीएफआई से लोन लेना चाहिए। पीएफआई कौन है? एलआईसी, एसबीआई, आईडीएफसी, यूटीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये चीज एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनसे लोन लिया है तो इनके लोन में अगर आपने रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, गलती से इनके लोन के रिपेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर दिया, इनके लोन के रिपेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर दिया और आप न्यू लोन ले रहे हो, न्यू या प्रपोज लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी दे रहे हो, ठीक है? ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, एक तो डिफॉल्ट किया है और दूसरा लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी कर रहे हो इस सिचुएशन में, क्लियर है? वन यहां लिखना चाहिए, हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑब्वियसली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लगेगा, या तो फिर और अगर आप जनरल मीटिंग की कंडीशन नंबर 2 कंप्लाई करते हो, मतलब ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो, टोटल इज हायर देन जो हमने कैलकुलेशन किया उसको सेटिस्फाई कर देते हो और फिर आप नया लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी करते हो, ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2, आप जा रहे हो न्यू लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी के लिए, तो ये नए लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी के लिए दोनों केसेस में पीएफआई का अप्रूवल लगेगा। ये चीज बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने एक और लॉजिकल डायग्राम इसका बना के रखा है, इसको जरा समझना। डिफॉल्ट इज मेड इन रिपेमेंट टू पीएफआई, डिफॉल्ट इज नॉट मेड। जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन का कंडीशन का अप्लाई किया है, इसलिए जीएमएसआर इज रिक्वायर्ड और जीएमएसआर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्लियर है? क्योंकि वो कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, आप उससे नीचे लोन दे रहे हो। अगर आपने पीएफआई का डिफॉल्ट किया है, जीएमएसआर भी लग रहा है, तो पीएफआई का अप्रूवल लगेगा। अगर आपने पीएफआई में डिफॉल्ट किया है पर जीएमएसआर की जरूरत नहीं है क्योंकि लोन उससे कम है, हायर लिमिट से कम है, 100% ऑफ रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम और 60% ऑफ पेडअप कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से कम है, तो भी पीएफआई का अप्रूवल लगेगा क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है पर जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, डिफॉल्ट नहीं किया है पीएफआई के लोन रिपेमेंट में पर आप लोन इतना दे रहे हो जिसकी वजह से जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लग रहा है, तो पीएफआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। पर अगर आपने डिफॉल्ट भी नहीं किया है और जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं लेना है, तो पीएफआई का अप्रूवल भी नहीं लेना है। ये चीज को अच्छे से याद रखना, इससे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियर ये नहीं हो सकता, क्लियर है? लास्ट वाली चीज आपने याद रखनी है, रिक्वायरमेंट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के डिपॉजिट के अंदर या इंटरेस्ट डिपॉजिट के इंटरेस्ट के अंदर या डिपॉजिट रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी श्योरिटी नहीं कर सकते। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज किया है, जैसे पीएफ, ईआईएस, ईएसआई, एसए, बोनस, ग्रेच्युटी, तो भी आप लोन नहीं दे सकते। अगर आपका लोन का परसेंटेज, मतलब लोन जो दे रहे हो उसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, उसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रेट जो है उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, आपसे लोन लेंगे और गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, 4% से लोन लिया, गवर्नमेंट बॉडी इंटरेस्ट में 6% से दे दिया, 2% फुकट के कमा रहे हैं, तो उससे ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट होना चाहिए। लास्ट वाला, रजिस्ट्रेशन आपको करना है फॉर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर मेंटेन करना है सेक्शन 187 में। ये 187 और 189 दोनों आपको खुद को पढ़ने हैं, बिकॉज ये रजिस्टर्स के सेक्शन है, आराम से खुद पढ़ लेना। और यहाँ पे खत्म होता है आपका एंटायर सेक्शन 186। कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, पूरा एक ही चार्ट के अंदर इंक्लूड करके रखा गया है, ठीक है? चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स ले लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, सुपर एन्यूशन, ऐसे का मतलब होता है बच्चों सुपर एन्यूशन, ऐसे का मतलब होता है सुपर एन्यूशन। हाँ, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट ईयर वाला आपको गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड रेट लेना है। ब्रेक अभी हम देंगे, बेटा खत्म ही हो रहा है बोर्ड मीटिंग चैप्टर, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। चलो डन, ओके, ये चीज होने के बाद में अब मैं अगले कंटेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। 186 हो गया, 187 और 189 आपका होमवर्क है, आपको खुद को रीड करना पड़ेगा, रजिस्टर्स के ही सेक्शन है। 190 में यहीं पे डिस्क्लोज कर दूं, छोटा सा सेक्शन है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 180, इट स्पीक्स अबाउट
हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक तो आपने एग्रीमेंट मेंटेन करना चाहिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप का, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना चाहिए, या तो फिर उसको किस हिसाब से अपॉइंट किया इसका मेमोरेंडम आपने मेंटेन करना चाहिए सेक्शन 190 में। एक तो कॉन्ट्रैक्ट या मेमोरेंडम, दोनों में से कोई भी मेंटेन करो तो भी चलेगा। इसका इंस्पेक्शन मेंबर को अलाउ करना चाहिए और मेंबर इसके कॉपीज ले सकता है। अगर आपने इसका इंस्पेक्शन मेंबर को नहीं दिया तो आरओसी इंस्पेक्शन करवाएगा और ऐसे केसेस में आपको फीस या पेनल्टीज लग सकता है, ये चीज को याद रखना। उसके बाद में हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 191 पे, आ जाइए। 191, 192, 193 ये तीन सेक्शन हम कवर कर रहे हैं अभी। 194, 195 डिलीट हो चुके हैं बेटा, डिलीट हो चुके हैं, होल्ड। वन नाइनटी वन, वन नाइनटी टू, वन नाइनटी थ्री के लिए हम जा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। सो 191 इज कंपेंसेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आप ऑफिस से हकाल रहे हो कुछ इस कदर तो उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा क्या? अगर आप उसको हकाल रहे हो बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, या अगर आप उसको हकाल रहे हो बिकॉज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ये नॉर्मली कवर्ड है हमारे कॉम्प्रोमाइज अमलगमेशन अमलगमेशन चैप्टर के अंदर, तो उसमें देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एनी पर्सन मेकिंग ऑफर टू ऑल द शेयर होल्डर्स, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। ऑफर मेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट टू मेक अ कंपनी इट्स सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बनाने के बाद भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हकाल सकते हो। या ऑफर मेड बाय इंडिविजुअल फॉर मिनिमम 1/3 ऑफ शेयर होल्डिंग, मतलब 33%, या कोई भी सब्सटेंशियल कंडीशनल ऑफर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। अब इसके अंदर देखो ये परसेंटेजेस है बेटा शेयर होल्डिंग के, तो प्लीज उसको थोड़ा ठीक से आपने समझना, अदरवाइज मुश्किल है। दिस इज 100%, दिस इज 51% फॉर सब्सिडरी, दिस इज 33.33% एंड दिस इज 20%। अगर ये भी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से डायरेक्टर को हकाला जाता है तो जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप इस डायरेक्टर को लोन, इस डायरेक्टर को कंपेंसेशन दे सकते हो। आप जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से इस डायरेक्टर को कंपेंसेशन दे सकते हो। कंपेंसेशन जीएम ओआर से ही दिया जाएगा। अगर मीटिंग एडजर्न होती है बिना कंपेंसेशन दिए तो ऐसा माना जाएगा कि कंपेंसेशन रिजेक्ट हो गया है, क्लियर है? अगर ये कंपेंसेशन आप गलत तरीके से देते हो तो आपको 25,000 से 1,00,000 तक की यहां पे पेनल्टी लग सकती है। साथ में ये कंपेंसेशन जो है ये आपको कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। ये चीज को अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्लियर है? ये हो गया सेक्शन नंबर 191 खत्म। सेक्शन नंबर 192 स्पीक्स अबाउट नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में ये बोला गया है कि अगर कंपनी का होल्ड, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, जैसे क्यू, जैसे ए लिमिटेड का डायरेक्टर है क्यू, ए लिमिटेड के होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है पी, ए लिमिटेड के सब्सिडियरी का डायरेक्टर है आर, और ए लिमिटेड के एसोसिएट का डायरेक्टर है एस, इनमें से कोई भी डायरेक्टर कंपनी के प्रॉपर्टी को परचेस करने का ट्रांजेक्शन करता है या प्रॉपर्टी से नॉन कैश ट्रांजेक्शन करता है। नॉन कैश का मतलब होता है दो चीजें, एक तो आप बार्टर सिस्टम में परचेस कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पे परचेस कर रहे हो। भले ही आर्म लेंथ प्राइस वैल्यूएबल कंसिडरेशन में होगा, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस और वैल्यूएबल कंसिडरेशन वाला 188 से एग्जम्प्ट हो जाता है, 188 से एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भले ही उसके ऊपर होगा और वो एग्जम्प्ट ना हो और पैसा वापस से अच्छे से आए, इसलिए हम 192 फॉलो करते हैं, जिसके अंदर कोई भी नॉन क्रेडिट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, नॉन क्रेडिट नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए हम जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं और फिर ये ट्रांजेक्शन करते हैं कंपनी के साथ। अगर आप जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करते हो तो कॉन्ट्रावेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर आप कंपनी को इंडेमनीफाई करते हो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ना करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। यह है सेक्शन नंबर 192। लास्ट सेक्शन है 193, ओपीसी कॉन्ट्रैक्ट। ओपीसी ये बहुत सिंपल सेक्शन है। ओपीसी का सिंगल मेंबर जो डायरेक्टर है वो ओपीसी से, बहुत सेल्फ ऑब्सेस सेक्शन है। ओपीसी का सिंगल मेंबर जो खुद डायरेक्टर है वो कंपनी से खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसने मिनट में मेंटेन करते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आरओसी को फाइल करना है 193 में। खुद ही खुद से खुद बन के खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में मिनट में मेंटेन करो, आरओसी को फाइलिंग कर दो, इतना बोला गया है। एक बार सेक्शन रीड करना। 194, 195 डिलीट हो चुके हैं तो उसका कोई संबंध नहीं। यहां पे आपका चैप्टर बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स होता है खत्म। कोई क्वेरी है तो फिलहाल प्लीज पुट कीजिए, मैं 2 मिनट में आंसर करता हूं, फिर हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे। गो फॉर इट फास्ट। हाँ, पेनल्टी अभी चेंज हो गई है, माय मिस्टेक, पेनल्टी अमेंड हो गई है इसकी 191 की, जो अभी सिर्फ 1,00,000 तक के ही जा सकती है। ओके, पेनल्टी अमेंड हो चुकी है 191 की, जो अभी सिर्फ 1,00,000 तक के जा सकती है, याद रखना।
एक कंपनी में एक से ज्यादा एसएसडी नहीं हो सकते बेटा, इट इज नॉट अलाउड। 178 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया बेटा, रेमुनरेशन कमेटी अप्लीकेबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ हो चुके हैं, रेमुनरेशन कमेटी कैसे वर्क करती है ये मैंने बता दिया, बाकी उसके अंदर स्पेशल पॉइंट नहीं है। और स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। एमबीबी सिर्फ तीन फॉर्म है बेटा जय चाचा नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है वो। डीआईआर बहुत सारे थे इसलिए मैंने उसको बता दिया। ऑलरेडी योगेश मैंने डिस्कस किया है सेक्शन 185 में, लेक्चर वापस देखिए। चलो डन एवरीबडी। मोहम्मद ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी, हाँ सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को लोन दे सकती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं मोहम्मद। चलो हो गया सबका ओके। और इतने बार मोहम्मद मैसेज स्पैम ना कीजिए, एक बार ही डालोगे तो मैं पढ़ लूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलो सो सेशन कैसा लगा मुझे बताना। यहाँ बोर्ड मीटिंग चैप्टर्स खत्म होता है, अगला चैप्टर हम लेंगे मैनेजरल पर्सन एंड इज रेमुनरेशन, उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल 2 घंटे का हमारा सेशन हुआ है आई गेस ये, तो फिलहाल मैं चाहूंगा इट इज आई गेस 3:45 o'clock, 3:45 हुए हैं। अगला सेशन हम नियरली स्टार्ट करेंगे 4:05 या 4:10 के ऊपर, प्लीज आ जाइएगा ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हम चैप्टर वाइज रिविजन करें ठीक है। सो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ठोक देना, कितने लाइक्स आए हैं देख ले अपन एक बार, 395, 400 ठोक दो फटाफट फटाफट।